जी कृपया अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, आपको कठिनाई होगी उससे। मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए कठिनाई हो जाती है क्योंकि मैं एक साथ दो लैपटॉप जो है थोड़े ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिट भी करना होता है। तो खैर, तो मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि हम लोग जो हैं, बहुत एक प्राचीन शब्द लेकिन बहुत छोटा सा जो शब्द है उसके विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे शब्दों के साथ गड़बड़ ये होती है कि ये शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग करने के कारण, दैनंदिन जीवन में और व्यवहार में प्रयोग करने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके अर्थ पता हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि आपको इसका जो है वो व्याकरणिक अर्थ पता हो, आपको दूसरी भाषा में इसका अर्थ पता हो कि अगर वो संस्कृत का शब्द है तो उसका पंजाबी में, मलयालम में, उर्दू में और सारे अंग्रेजी में आपको इसके अर्थ पता हो। लेकिन जैसे ही आप उस अर्थ के ऊपर विचार करने लगते हैं और उस अवधारणा को समझने लगते हैं या उसकी थ्योरी को पकड़ने लगते हैं, तो आपको लगता है कि इसके विषय में कठिनाइयां बहुत अधिक हैं। ये छोटा सा शब्द उतना नहीं है जितना हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं। इसकी अवधारणा, इसकी थ्योरी और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत व्यापक हैं और बहुत उलझी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन क्योंकि हम अपनी तीव्रता, अपने बहाव की तीव्रता में ऐसे चल रहे होते हैं दैनंदिन व्यवहार में कि हमें ऐसे शब्दों के ऊपर रुकने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती और हम अपना काम चला लेते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कर्म के ये दो रूप आपको दिखाई देते हैं, एक तो ये कि जहां पर आप कर्म, यू गेट व्हाट यू डू, ये सर्कल के रूप में आपको दिखाई देता है, और दूसरा है कि जहां पर जिन जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं और वो सब कुछ जानते हैं तो वो दूसरों के लिए दंड जो विधान भी करते हैं कि ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्म है। और इसका एक और प्रतिरूप केवल भूमिका बनाने के लिए जानते आप सभी हैं, लेकिन फिर भी जो जाने हुए को पुनः जानने में कई बार नई बातें उभर कर आती हैं, वो हमारी दृष्टि को और हमारी सोच को विकसित करती हैं। 219 में ये था कि सारे के सारे पशु जीव सब अंदर थे, और 220 में अब ये स्थिति आ गई है कि पशु बाहर घूम रहे हैं और आप सारे अंदर आ गए हैं। कोरोना ने ये स्थिति, आदमी के कर्म रूपी जो कोरोना है उसकी ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। अब मैं आप लोगों के साथ जो एक शास्त्रीय पक्ष है, क्योंकि ये तो एक सामान्य बुद्धिजीवी वाला पक्ष था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, लेकिन अब आप शास्त्रीय पक्ष की ओर आए और जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि है उसकी ओर आए। आप यहां पर देख रहे हैं कि कर्म शब्द स्क्रीन के सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, जहां पे कर्म है, तो कर्म के तीन पक्ष आपको दिखाई देंगे हमारे सारे परंपरा में, कि ज्ञाता के रूप में आपके कर्मों का स्वरूप क्या है, कर्ता के रूप में कर्म का स्वरूप क्या बनता है, और भोक्ता के रूप में आपके कर्मों का क्या स्वरूप होता है। मैं इसमें ज्यादा व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वक्ताओं के लिए मैं समय वो छोड़ूंगा। अब प्रत्येक ज्ञाता या कर्ता या भोक्ता के रूप में किए जाने वाले व्यक्ति के अपनी आइडेंटिटी, माया, उसकी राग, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, लिमिटेशन ऑफ टाइम काल जिसे कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी कला उसे कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्पेस नियति है, और विद्या लिमिटेशन ऑफ नॉलेज है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञाता, कर्ता या भोक्ता के रूप में इन छह चीजों से नियंत्रित होता है अपने कर्म करने में, और केवल इतनी नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशन और अधिक बढ़ जाती है जब आप उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर भी आ जाता है। तब आपके सामने एक कठिनाई पैदा होने लगती है कि जो कुछ कर्म के नाम पर हम कर रहे हैं वो वस्तुतः कर्म का किस तरह का रूप है, और वो क्या वाकई कर्म कहलाने योग्य है भी या नहीं है।
या तो चलिए उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं, बाकी मैं आपके साथ प्रश्न और शेयर कर लूंगा। तो आप देख पाते हैं कि हमारे पास जो धर्मशास्त्रीय पक्ष आते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए जो ज्ञाता कर्ता और भोक्ता के रूप में बहुत सारी सीमाओं के साथ कर्म करते हैं, वो नित्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो मुझे लगता है वक्ता अपने वक्तव्य में हमारे साथ शेयर करेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या इनके विभाजन है। अब इसके साथ आप जब ये देखते हैं कि यहां पर कर्म का एक तो है व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप से मतलब है कि आप रोजमर्रा की क्रियाएं कर रहे हैं और सब आप काम करते जा रहे हैं, तो वो जो काम करना है, जो क्रिया करना है, उसको आप कर्म के रूप में ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप इस स्लाइड के नीचे एक्स एक्सिस की ओर देखिए तो आपको कर्म का दार्शनिक रूप और साहित्यिक रूप भी देखने को मिलता है। दार्शनिक रूप में आप देखेंगे कि न्याय विशेषक में कर्म को किस रूप में हमने लिया है, हमारी परंपरा में लिया गया है, फिर धर्मशास्त्रीय रूप क्या है, वेदांत में कर्म क्या है, काश्मीर शैविज्म में धर्म कर्म क्या है, बौद्ध जैन लोगों में जो दर्शन है उन्होंने कर्म को किस रूप में लिया है, वो भी एक चर्चा का विषय रहेगा। और साथ ही साथ जो मैं चाहता था कि जिस पे विशेष बात होनी चाहिए वो है साहित्यिक स्वरूप क्या है कर्म का। साहित्य में आप देखते हैं हर कहानी, हर पिक्चर, हर मूवी जो कुछ भी है वो कर्म पर आश्रित है कि हर हीरो उसमें कोई ना कोई कर्म करता है, हर हीरोइन कोई ना कोई कर्म करती है, और फिर वो उसके विभिन्न प्रकार के स्वरूप हमें देखने और देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। अब इसी में इन दो पक्षों के बीच में, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब हम ये सारी बात देखते हैं तो आपको व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अजीबो गरीब से शब्द भी मिलने लगते हैं। और जैसे कि एक अकर्म शब्द है, इसका कोई अर्थ होता है या नहीं होता, या कभी क्या संभव है कि हम कोई अकर्म की स्थिति में रहें। फिर इसके साथ आपको कि कर्म स्वयं में फल है या वो फल को उत्पन्न करता है, क्योंकि सामान्य भाषा में जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये उसके कर्मों का फल है, आपको मिलने वाला जो दुख सुख है या आपको मिलने वाला धन संपदा आदि जो भी है उसको आप क्या कहते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है। तो क्या वस्तुतः वो भाषा सही है या उस भाषा में कहीं कोई दोष है या हमारी समझ में कोई कमी है? क्या व्यक्ति उस वक्त क्रिया शब्द का प्रयोग करना चाह रहा है कि ये क्रिया से मिलने वाला कर्म है? और फिर ये भी है कि गीता में भी आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते कि कर्म करने में अधिकार है लेकिन फल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कर्म का कोई फल होता है। और व्याकरण दर्शन जो है वो तो स्वयं में कर्ता का जो अभीष्टतम है उसी जो फल है वही तो कर्म है। तो अब ऐसी सी स्थितियां जब हमारे सामने आने लगती हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं। दूसरी तरफ निष्काम कर्म, ये अपने आप में गीता के नाम पर हम सभी बोल देते हैं, लेकिन वस्तुतः निष्कामता और कर्म दो चीजों को कैसे आप अलग करेंगे? फिर जब आप पंचतंत्र जैसी कहानियों की ओर जाने लगते हैं तो वहां आपको निरर्थक कर्मों का ऐसे स्वरूप मिलता है जैसे कि कीलोत्पाटित वानर, जो लोग संस्कृत से नहीं है कि बंदर जो है वो पेड़ पे बैठा हुआ, एक कटे हुए पेड़ के बीच में जो कीला सा फंसा हुआ था उसको उखाड़ रहा था और उसका निकलने पर उसका हाथ उसमें फंस गया, तो वो निरर्थक कर्म की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। फिर सार्थक कर्म जिन्हें हम कहते हैं, उस कर्म का स्वरूप हमारे सामने क्या रूप है? क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं कि हम बड़ा सार्थक कर्म करने जा रहे हैं तो दूसरे लोग विरोध करने वाले जो हैं वो उसमें अनेकानेक दोष आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। केवल मात्र इतनी ही बात नहीं है, कुछ और भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा उससे पूर्व मैं आज के दोनों मुख्य वक्ताओं से परिचय करवाना चाहूंगा आप लोगों का, और परिचित हैं भी आप लोगों का, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता, एक मर्यादा होती है परिचर्चा की। तो हमारे जो आज के मुख्य वक्ता रहेंगे, जो लगभग अगले 20-25 मिनट हमारे साथ अपनी बात शेयर करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो चेयरपर्सन रहे हैं भूतपूर्व डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और उनसे हमने निवेदन किया था कि वो इस विषय पर चर्चा करें क्योंकि वो दर्शन से हैं और दोनों ही दर्शनों से वो परिचित हैं, वेस्ट के भी और भारतीय प्राच्य परंपरा जो रही है
दक्षिण की उसमें वो उनके सिद्ध हस्त हैं वो, तो उनसे ये निवेदन किया था कि इस कर्म के विषय में वो अपना विचार हमारे साथ शेयर करें। तो निश्चित रूप से मैं उनसे ये भी चाहूंगा जानना, आप जैसे देख सकते हैं कि ये कर्म और रीबर्थ का भी एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित ही हमारे दोनों विद्वान वक्ता इन विषयों को लेंगे, लेकिन फिर भी वैसे मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि कर्म और रीबर्थ के संबंध को भी हम समझें। कहने को कह देते हैं, लेकिन क्या हम वस्तुतः उस सारी प्रक्रिया को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और कौन से कर्म का कौन सा रीबर्थ होगा, इस सारे विषय पे चर्चा होगी। डॉक साहब के मुख्य वक्तव्य के बाद जो उसके ऊपर अध्यक्षीय भाषण रहेगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा, वो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरसी का रहेगा, जो पूर्व प्रोफेसर रहे हैं कालिदास चेयर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और उनसे हम आज का वक्तव्य जब सुनेंगे, और साथ में मैं उनके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जहां पर हमें अस्पष्टता है, वो अस्पष्टता किस चीज की है कि कर्म जो है वो क्या कार्य के रूप में, उस कर्म का स्वरूप क्या खड़ा होता है, और क्रिया के रूप में वो कर्म का स्वरूप क्या है, या ये तीनों एक ही चीज है या तीनों अलग अलग है। व्याकरण की दृष्टि से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, न्याय विशेषण की दृष्टि से हम कार्य को कर्म से अलग कह सकते हैं कि कारण कार्य होता है और क्रिया जो है वो कर्ता करता है, लेकिन फिर कर्म की स्थिति क्या बनती है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रश्न मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं दोनों विद्वान वक्ताओं का आदर करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित करने से पूर्व एक छोटा सा और भी मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर लेता हूं कि जब इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं, तो कुछ एक चीजें हमें अवश्य, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैशेषिक दर्शन जो है भारत का, भारतीय परंपरा का, उसमें 5 प्रकार के कर्मों का विश्लेषण किया गया है। वो बिल्कुल ही एक अलग प्रकार के कर्म हैं, जो कि आपको गीता में उस प्रकार का नहीं मिलेगा या अन्य जगह नहीं मिलेगा। फिर आपको एक अन्य प्रकार के कर्म मिलते हैं, घातीय कर्म जिन्हें कहा जाता है, विनाशक हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। केवल नाम ध्यान रखिए, मुझे लगता है डॉक्टर साहब इन सारे कर्मों के विषय में बात करेंगे कि ज्ञानावरणीय कर्म कौन से होते हैं, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म। और फिर अघातीय कर्म भी एक शब्द प्रयोग होता है, और वो अल्प विनाशक हैं, वो भी 4 प्रकार के हैं, जो आयुष, नाम, गोत्र और वेदनीय होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कर्मों को लेकर के बहुत एक उलझन सी है, और ये उलझन केवल एक कोई बौद्धिक उलझन नहीं है, ये एक व्यवहार की भी उलझन है कि हम ऐसे विषय जिनको हमने मान लिया है कि हम जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको छूने लगते हैं, उनके रूप को पकड़ने लगते हैं या किसी के सामने प्रस्तुत करने लगते हैं, तो बड़ी भारी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। आप इधर उधर उनके अर्थों को तलाशने लगते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े आपके पास उपस्थित होते हैं। कभी आपने डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढ लिया, कभी आपने ट्रांसलेशन एटिमोलॉजी के बेस पे आपने उसको शब्द को पकड़ लिया, या कभी एक आध परिभाषा, चलताऊ सी परिभाषा से आप काम चला लेते हैं, जो कि मैंने शुरू की पहली स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था। तो इस तरह की इन सारे बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसके पूरा जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप को विभिन्न दृष्टियों से आज जानने की, समझने की, समझने का हमारा प्रयास रहेगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ साझा करें, और लगभग अगले 20-25 मिनट जो है वो इस सारे विषय को एक संपूर्णता में हमारी भाषा के अनुकूल, क्योंकि सारे के सारे लोग संस्कृत की बैकग्राउंड से, इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए वो हमारे साथ अपनी बात साझी करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को। बहुत सुंदर सार गर्भित वक्तव्य रहा सर, हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आनंदमान, मेरे भी बहुत प्रसन्न।
आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं योगिन्द्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं हम भजामि। आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर आंगिरस जी, आशुतोष जी और जो भी यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं विद्वजन, उन सबको मैं प्रणाम करके अपनी बात को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूंगा। आज का जो विषय रखा आशुतोष जी ने कि कर्म के ऊपर, तो ज्ञान और कर्म दो चीजें हमारे सामने आती है, ज्ञान और कर्म। ज्ञान की ओर हम जब जाते हैं, ज्ञान की ओर हम जब जाते हैं तो बहुत से रास्ते मिलते हैं, बहुत से दर्शन मिल जाते हैं। पर जो कर्मों की ओर आते हैं, कर्म जो हमारा आचरण है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनकी जब व्याख्या करते हैं दर्शन में, जितने भी दर्शन है सब अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, पर लगभग व्याख्या सबकी एक जैसी ही हो जाती है कि कर्मों का जो व्याख्यान करेंगे तो वहाँ विवाद नहीं होते। नैतिक दृष्टि से हम देखें तो जो बात गीता कहेगी वही सब मानेंगे। ऐसा नहीं कि गीता कहेगी वो कर्म अलग है और न्याय वैशिष्ट का कर्म अलग, ऐसा नहीं है कि सभी दर्शनों में कर्म की व्याख्या एक जैसी ही की जाती है। क्योंकि कर्म जो है वो मनुष्य का आचरण है और मनुष्य जब आचरण जो भी करे, अच्छा बुरा जो भी करे, तो सभी लोग जानते हैं अच्छा क्या बुरा क्या है। भक्ति भी कहते हैं कि भाई अच्छा क्या है ये सब जानते हैं, दुनिया में आपको क्या बताएंगे अच्छा क्या है। इदम पुण्यम इदम पापम, ये पुण्य है या पाप है, ये जो लोग अनपढ़ है वो भी जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इसकी हम शास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं कि शास्त्र में, तो शास्त्र इस ज्ञान को क्यों बता रहा है अच्छा कर्म बुरा कर्म क्या है। तो शास्त्र ने फिर इसका विवेचन किया कि मान लीजिए मनुष्य भी कई तरह के हैं, एक सामान्य मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता है और वो भी अच्छा बुरा समझता है, अनपढ़ है, मजदूर है, वो भी जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, एक ज्ञानी भी जानता है, तो इनमें अंतर क्या है। तो कहते कि हमारे ज्ञान के स्तर है, एक अशिक्षित व्यक्ति का ज्ञान है या अज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान है, एक मूर्ख व्यक्ति का ज्ञान, एक थोड़ा ज्ञान ज्ञाता जिज्ञासु व्यक्ति का है और एक बहुत ज्यादा ज्ञानी। तो इन चारों के ज्ञान में अंतर पड़ता है। और वो कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्त चार तरह के होते हैं, उन्होंने कहा भक्त चार तरह के होते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो चार तरह के भक्त होते हैं, मनुष्य भी चार तरह के होते हैं, चार तरह की उनकी अवस्थाएं होती है। पर आदमी दुखी होता है, आप समझो दुखी, तो संसार में जो लोग अज्ञानी है वो दुखी माने जाते हैं क्योंकि वो अपने अज्ञान के कारण दुखी है। तो संसार में जो भी, जिसको हम कहें कि जो एक मजदूर वर्ग है या एकदम हीन वर्ग है, निर्धन वर्ग है, वो एकदम गरीब वर्ग है, तो वो आर्त है, वो दुखी है। एक व्यक्ति दुखी तो नहीं है, उसने संसार में कुछ सफलता अर्जित कर ली है और वो उससे ऊपर आ गया, तो वो क्या है, तो उनका अर्थार्थी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो ऐसा हम माने कि मनुष्य के व्यक्तित्व में चार पहलू होते हैं। एक पहलू तो उसकी आत्मा होती है यानी ज्ञान उसका, एक उसका बुद्धि होती है, एक मन और एक शरीर होता है। तो जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं कि शरीर में जो इच्छा हो कर लो, तो वो लोग व्यक्ति खाली उनको केवल शरीर भरना ही ज्ञान है, जैसे पशु पक्षियों में। तो ऐसे जो पशु भाव वाले मनुष्य हैं वो एक तरह से दुखी लोग हैं, वो संसार में दुखी रहेंगे क्योंकि उनमें पशु भाव है और वो केवल अपना पेट भरना ही समझते हैं कि हमें पेट भरना है और पेट भर के ही जीवन निकालना है, जैसे पशु पक्षी आदि। तो उनका ज्ञान अलग तरह का ज्ञान है, उनका ज्ञान नहीं है वस्तुतः, खाली उनको एक जो चीज अच्छी लगती है उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये एक तरह के व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति इससे थोड़े ऊपर आ गए, उनमें मन प्रधान हो जाता है, और मन जब प्रधान होता है तो सोचता है कि मुझे केवल अपने इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागना है, मुझे ये ढूंढना कि सुख किससे मिलते हैं, वो साधन इकट्ठे करूं। तो उसके लिए अर्थ के पीछे भागता है, वो अर्थार्थी हो जाता है कि वो अर्थ के प्रति भागता है और सोचता है कि संसार में हम सब लब कर लेंगे तो हमारे पास पैसा होगा, साधन होंगे, तो फिर हम सभी सुख प्राप्त कर लेंगे। सुख हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति करना है। तो वो अर्थार्थी कहलाता है कि वो धन के लिए भाग रहा है कि कैसे भी मैं धन को सृजित करूं और धन मेरे पास होगा मेरी इच्छा पूरी कर लूंगा। इच्छा पूरा करना ही मनुष्य का दायित्व है और वो एक ऊपर की कैटेगरी में आता है। तो उसे हम शास्त्र में ये कहते हैं कि पहला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति काम पुरुषार्थ के पीछे भाग रहा और दूसरा व्यक्ति अर्थ के पीछे भाग रहा है। तो काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ हो जाते हैं। तो एक काम के पीछे भाग रहा था, खाली अपनी कामनाएं पूरी करने जा रहा था, दूसरा व्यक्ति उससे ऊपर आया तो उसने अर्थ की बात की कि अर्थ होगा तो कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी, तो अर्थ के पीछे भागना शुरू करें। तीसरा जो व्यक्ति होता है वो जिज्ञासु, हमने भक्त की तीसरी कैटेगरी का जिज्ञासु, कि वो जब सोच लेता कि भी मैं अर्थार्थी भी हो गया, अर्थ भी आ गया, अब मैं क्या करूं, पैसे मेरे पास हो गए, जैसे भी मैंने सही गलत तरीके से, ये मुझे आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही, अभी नहीं आ रही आवाज सर,
नहीं आवाज ठीक है, मेरे ख्याल आपके पंखे की आवाज बीच में डिस्टरबेंस कर रही है, ज्यादा तेज तो नहीं पंखा? डॉक्टर साहब हाँ बोलूं मैं? हाँ जी हाँ जी बोलिए। अच्छा तो वो तो कह रहे हैं कि अर्थार्थी जो है वो थोड़ी उसी मन के अनुसार चलता है और वो अर्थ को ही अर्जित कर लेता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है, यानी वो जान लेता है कि भाई मेरे पास अर्थ भी हो गया, अब क्या करूं मैं, तो सोचता है कि मुझे कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म करूं? तो कर्म दो ही तरह के होंगे, अच्छा बुरे कर्म। सामान्य भाषा में हम कहें कि सत्कर्म और दुष्कर्म, पाप या पुण्य, या धर्म या अधर्म में करूं। तो क्यों करूं? मान लीजिए मैं धर्म अधर्म क्यों करूं? तो प्रश्न ये है कि जो लोग अधर्म का आचरण करते हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको इज्जत ही नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे जानना पड़ेगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वेदों में जो कहा गया वो धर्म है, सामान्य व्याख्या ये कि यही भी कर्म धर्म और निषिद्ध कर्म अधर्म है। तब हमें एक अलग कैटेगरी के मनुष्य हो गए, हम जिज्ञासु हो गए और हम जानना चाहते हैं धर्म क्या है। तो जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और धर्मशास्त्र है, वो सब धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये हुआ कि उचित कर्म क्या, और उन्होंने सबकी सूची दे दी कि धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या और असाधारण धर्म क्या, विशेष धर्म क्या। उन्होंने कह दिया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये सब धर्म है। अब जैन भी यही कहेंगे, जैनों से पूछेंगे साधारण धर्म क्या, तो यही बताएंगे। योग सूत्र भी यही बताएगा और बौद्ध भी यही बताएंगे कि अहिंसा सत्य अस्तेय ये धर्म है। तो धर्म का मतलब ये होगा कि वो जो अच्छे गुण जो उत्कृष्ट करते हो हमें जीवन को, तो वो धर्म है, और जो निकृष्ट करते हो तो अधर्म है। गीता इसको ऐसे समझाएगी कि देखिए दो तरह के कर्म हो गए, एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट। उत्कृष्ट कर्म क्या है? तुमने कहा यज्ञ तप और दान, ये कहा कि ये पवित्र कर्म है, पावन कर्म है। गीता में कहा कि ये यज्ञ तप और दान जब करेंगे तो आप सबसे अच्छा काम यही है, इसको करने से व्यक्ति और आगे जाएगा और उसको ज्ञानी बनेगा, यज्ञ तप और दान। और तीन कर्म अगर कर ले वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, उनको करने से व्यक्ति पतित होगा। वो तीन कर्म क्या? उनका काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्य द्वारम, तो कहते हैं अपना आपको आत्मा का नाश करना है आपको, तो आप इन तीनों में आ जाइए कि काम क्रोध और लोभ की ओर आ जाइए। अपनी कामनाएं पूरी कीजिए, आप लोभ भाव हो रहा है और इकट्ठा कीजिए और कहिए, तृष्णा के पीछे भागते रहिए तो और गुस्सा आपको शांत हो, काम कर ले। तो काम क्रोध लोभ ये व्यक्ति को पतित करते हैं, और यज्ञ तप और दान क्योंकि इसमें परकल्याण की भावना है, उसमें जगत के अच्छे जगत के निर्माण की भावना हो, धर्म। तो ये उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं, और इस तरह से उन्होंने गीता में ये बात कही कि ये धर्मशास्त्र इसी की व्याख्या करता है, कितने कर्म होंगे, पातक क्या है, महापातक क्या है, अति पातक क्या है, तो ऐसे धर्मशास्त्र में चर्चाएं की जाती है, प्रायश्चित क्या है। तो कर्मों का भेद उन्होंने इसी आधार पर किया कि धार्मिक दृष्टि से उन्होंने विभाजन किया कि कौन सा कर्म हमें आगे ले जाएगा, कौन सा कर्म हमें और ऊपर ले जाएगा। हम केवल अभी जिज्ञासु वृत्ति में है और हमें पता नहीं है, पर कहते हैं जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है वो भी यथावत ज्ञानी नहीं होता है। इससे ऊपर की जो चौथी अवस्था है, चौथी जो अवस्था है उसमें व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, पूरा ज्ञानी हो जाता है। तो पूरा जो ज्ञानी हो जाएगा तो वो मोक्ष की ओर चला जाता है। उसको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा या बुरा कर रहा हूँ, जिसमें मेरी प्रवृत्ति है निवृत्ति है, इन सबसे बाद में मेरे को क्या करना, सब कुछ कर लिया मैंने सब कुछ जान लिया और सब कुछ कर लिया, अब क्या करना बाकी रह गया। तो लास्ट में आता है कि हमें निवृत्त होना है और हमें ईश्वर की ओर जाना है, तो ज्ञानी। इसके अनुसार चार शास्त्र हमारे बने। एक हम कहते हैं कि जो पहला जो व्याख्या वो काम शास्त्र है, दूसरे की व्याख्या अर्थशास्त्र है, और तीसरी जो व्याख्या है जिसमें हम कहते हैं कि धर्मशास्त्र, और चौथा दर्शन शास्त्र। तो चार शास्त्र कर्मों की व्याख्या कर रहे हैं कि इनमें अब चारों में कौन सा सही है। तो जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का है उसको वही अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ है तो वो कहेगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही बढ़िया है कि पैसे भी सत्ता प्राप्त करो, फिर धर्म की बात बाद में करेंगे, सत्ता प्राप्त करना मुख्य हमारा, क्योंकि अर्थ हमारे पास होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो अर्थ प्रधान दर्शन कौटिल्य का है कि कौटिल्य ने कहा, वाचार्य ने काम प्रधान दर्शन कहा कि काम जो है वही हमारा दर्शन है, और हम कामना पूरी करें, सामान्य मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, इच्छा पूरी करने में उसे सुख का अनुभव होता है, ये इसके लिए कर्म है। तो इसलिए वो जो भेद होता गया शास्त्रों में, चार तरह के हमारे जो अधिकारी हैं उन अधिकारी के अनुसार चार शास्त्र बन गए। और चौथा जो व्यक्ति ज्ञानी था, चलेगा धर्मशास्त्र भी धर्म अधर्म से ऊपर भी कुछ रखा, जहाँ धर्म अधर्म नहीं हो, धर्म अधर्म भी हमें बांधते हैं, धर्म करके कितना भी धर्म कर ले हम सुखी नहीं हो सकते, कितना भी अधर्म कर ले हम दुखी नहीं हो सकते, फिर भी कुछ बाकी रहता है, उसे जानने के लिए मोक्ष की बात करते हैं कि हमें, क्योंकि ये सब कर्म बंधनों का कारण होता है, कर्म हमें बांधता है,
उस बांधे से मुक्ति के लिए हमें क्या रास्ता देगा, तो कहते दर्शन शास्त्र होगा। तो इस तरह से उन्होंने कर्म के, हमारे यहाँ चार शास्त्र बनाए गए कि कर्म की व्याख्या करने के लिए चार शास्त्र बने और इन चार शास्त्र के अनुसार हम कर्मियों की व्याख्या करें। साहित्य शास्त्र में इसे ये कहेंगे कि चार तरह के नायक हुए और भोज ने कहा कि धीरोदास, धीरोधर, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो ये चारों तरह के जो नायक हैं, चार तरह के व्यक्ति ही होते हैं, उनके चार स्तर हैं। एक जो सबसे निम्न स्तर का है जिसको केवल काम प्रधान है, उसके उनका धीरोधत कि वो अपने केवल इच्छा पूरी करता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, मारपीट भी कर लेगा, वो खून भी पी जाएगा उठाई गुस्से में, क्योंकि वो धीरोधत है। उससे ऊपर धीर ललित है। धीर ललित जो है वो थोड़ा सा चातुर्य होता है, उसमें वो अर्थार्थी होता है, वो सोचता है कि मौके का फायदा, कब लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए और किस तरह से लड़ें कि हम फंसे भी नहीं, उसकी बुद्धि थोड़ी चतुर होती है, उसको धीर ललित कहा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो है धीर ललित के बाद में भी उन्होंने ये कहा कि धीर ललित के बाद में धीर धीरोदात और फिर धीर प्रशांत, तो धर्म प्रधान व्यक्ति और अर्थ प्रधान। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो है साहित्य शास्त्र ने इसकी व्याख्या की, मनुष्य को पुरुषार्थ की दृष्टि से चार तरह के नायक हो सकते हैं, चार तरह के लक्ष्य होंगे। तो हम जब भी कर्मों की व्याख्या करेंगे वो चार तरह की होगी। अब चारों की व्याख्या अलग अलग होनी चाहिए, तो इसमें शायद ज्यादा हम इसको स्पष्ट कर पाएंगे क्योंकि समय मेरे पास कम है। मैं केवल गीता से एक व्याख्या कर देता हूँ, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं कि गीता में भगवान ने ये प्रश्न उठाया कि कर्म क्या है। इससे पहले व्याकरण शास्त्र की बात की आपने, न्याय के भी पूछा कि न्याय में क्या है, तो न्याय में उन्होंने कहा कि हम कर्म की व्याख्या भौतिक दृष्टि से करते हैं कि उत्क्षेपण कर्म पांच तरह का होता है। जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में एक कर्म पदार्थ ही है उनके लिए। तो कर्म पदार्थ में क्या होता है कि वो पांच तरह का पदार्थ है। एक तो ऊपर जाने वाला उत्क्षेपण, ऊपर फेंकने वाला कर्म जो ऊपर की ओर बढ़ता है, विकसित होता है। एक नीचे की ओर जाने वाला, यानी जो चरित्र को ऊपर ले जाए वो हमारे लिए उत्क्षेपण हुआ कि हमारा और विकास हुआ, हम ऊपर गए। और जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो अवक्षेपण हो गया। तो ये दो तरह के कर्म हुए, उत्क्षेपण और अवक्षेपण। दो तरह के कर्म उन्होंने बताए कि वो जो है वो उन्होंने कहा कि आकुंचन और प्रसारण। आकुंचन और प्रसारण क्या है? आकुंचन का अर्थ इकट्ठे हो जाना। जैसे मैं हाथ को खोलता हूँ तो जैसे मेरा हाथ खुल गया तो हम इसको सब पूरा विस्तार हो गया। इस विस्तार को हम कहते हैं ये थप्पड़ है, हम किसी के मारते तो कहते थप्पड़ लगा। तो जब इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं मुक्का हो गया, मुष्टि हो गई। तो ये इसका इकट्ठा होना, एक आकुंचन एक प्रसारण। तो हम या तो कर्मों का मतलब ये हुआ कि वो चीज जिसमें हम फैल जाए या हम कम हो जाए, तो ये हो सकता है कर्म। या एक गति कर्म हो सकती है जिसमें केवल स्थान का परिवर्तन होता है। उन्होंने न्याय में इस तरह की बातें की। न्याय ने माना, शुरू में न्याय ने यह माना कि कर्मों के अनुसार फल होगा, जो भी करेंगे उसका कोई ना कोई फल जरूर होगा और वो फल हमें मिलता ही मिलता है। तो कृत का प्रणाश नहीं होता। वो इसको इस तरह से कहते हैं कि नाभुक्तम छीत है कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम। जो भी हम करते हैं उसका शुभ या अशुभ जैसा कर्म होगा उसका वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा, बिना भोगे हम नहीं रह सकते। और जो हम नहीं करते हैं वो हमें नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो किया उसका फल भोगना है वो हमारे कर्मों का फल है, और जो हमने नहीं किया उसको कृत प्रणाश, वो कहते कृत प्रणाश नहीं हो सकता और अकृत का आगम नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस सिखाई कर्मवाद का सिद्धांत बनता है। इस सिद्धांत पर सभी दर्शन, खाली चारवा को छोड़ करके भारतीय सभी दर्शन मान लेते हैं कि ये कर्मवाद है। इसी के कारण संसार में असमानताएं हैं, विभिन्नता है। इस दर्शन को जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। तो सभी दर्शन जो चारवा को छोड़ करके सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद के सिद्धांत को मान लेते हैं कि कर्मवाद का सिद्धांत हमें मान लेना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाता है कि ये सिद्धांत क्या वास्तविक है या नहीं है। तो इस पर मेरे जो गुरु थे प्रोफेसर भाई साहब ने इस पर लिखा भी, वो मानते थे कि ये एक तरह से होना ऐसा ही चाहिए, पर होता ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें करे हुए का फल भोगना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं बिना किए हमें फल भोगने पड़ जाते हैं। कोई बम फूट गया, उस बम में कितने लोग मारे गए, तो सबका कर्म ऐसा थोड़ी था उस दिन कि उनको ये फल भोगना है। तो कहते हैं कि ये एक आदर्श स्थिति थी। धर्म ने ये कहा कि अच्छा करोगे, नहीं तो फिर हम लोग साथ रह कैसे सकते हैं। धर्म का पालन करके ही हम एक सामाजिक व्यवस्था बना सकते हैं, और इसलिए धर्म का हम पालन करके एक सामाजिक व्यवस्था बना सकते हैं और इकट्ठे रह सकते हैं। नहीं तो आपस में लड़ेंगे, हमारी कामनाएं टकराव होगी। तो धर्म और अधर्म जो है हमारे समाज को व्यवस्थित करते हैं, और इसमें जो धर्म जो है वो हमें एक तरह से बैठ करके बातचीत करने का अवसर देता है, और धर्म जो है वो धर्म हमें स्थापित करता है। तो न्याय की व्याख्या की धर्म क्या है, उनके धर्म की व्याख्या वैशिष्टी करते हैं, और उन्होंने धर्म की व्याख्या की और कहा कि इसमें हमें यह मानना चाहिए कि हमेशा धर्म हमें विजय नहीं हुई, धर्म की विजय नहीं होती, कई बार अधर्म की विजय भी हो सकती है। पर हमें जो क्या जो करना है
हमें जो करना है, हमें जो करना है कि हमें इसमें धर्म का ही पालन करना है। और उन्होंने कहा कि ये सब सिद्धांत मान लेते हैं, इसलिए इसमें सभी दर्शनों का मत लिया जा सकता है। अब जो गीता जो व्याख्या करती है धर्म की, कर्म की गीता कहते हैं, गीता की व्याख्या 18वें अध्याय में होती है, और गीता ये कह रही है कि भाई कर्म जो है, कर्म के अंदर वो कहते हैं कि मान लीजिए जो कर्म है वो तीन तरह के कर्म हो सकते हैं, और 18वें अध्याय में करीब 32 श्लोक में उन्होंने कर्म को बताया कि कर्म क्या है। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति के आधार पर कर्म है, कि जो अधिकारी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका कर्म अलग होगा, और जो व्यक्ति जिज्ञासु है उसका कर्म अलग होगा, और जो व्यक्ति सामान्य कैटेगरी का जो दुखी प्राणी है जिसको हम आर्त कहते हैं उसका कर्म अलग तरह का होगा। जो दुखी आदमी है वो सोचता है कि मैं पी के रह करके मस्त मस्त रहूं, मेरी इच्छाएं पूरी कर लूं, यही जिंदगी है। तो उसकी जो भावना होगी वो तामसिक कर्म कहलाती है, उसे अज्ञान है, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, वो केवल अपनी भावनाओं की पूर्ति ही चाहता है कि मेरी भावनाओं की पूर्ति हो जाए, जो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो वो तामसिक कर्म, उन्होंने कहा कि तामसिक कर्म में लगे रहते हैं, उस कर्म में वो अपना बुरा भला भी नहीं समझते, केवल वो अपना जो उनकी अक्कल है उतनी अक्कल के साथ काम करते हैं। उससे जब हम ऊपर आए, उससे जब हम ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, तो राजसिक कर्म में क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, और तामसिक कर्म में क्या अंतर है। हम तीनों कर्मों की, सात्विक, राजसिक और तामसिक की बात करें, तो सात्विक कर्म में क्या होता है कि सात्विक कर्म जो है वो हम सोचते हैं कि किसी से हमारा राग द्वेष नहीं है, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, मेरे लिए कोई मित्र नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, मैं निष्काम हूँ, यानी मैं किसको छोड़ूं, एक तो कामनाओं को छोड़ूं और एक फल की इच्छा। तो दो चीज थोड़े गीता कहती है, एक तो हम निर्मम है और मतलब मैं एक तो मैं अहंकार को छोड़ूं, अहंकार जो है वो हमें सीधा तामसिक बना देगा, तो जिसमें अहंकार नहीं है वो व्यक्ति सात्विक कर्म करता है। तो अहंकार को छोड़ दें और एक कामना को भी छोड़ दें। वो कहते हैं कामना दो तरह की हो सकती है, कामना अच्छी और बुरी दो तरह की हो सकती है। तो कामना हमारी अच्छी होगी तो ठीक है, हम परमात्मा की ओर जाएं तो भी अच्छी बात है, और तो हमारी जो कामनाएं हैं वो कामना में हमें निष्काम बनना पड़ेगा। निष्काम का अर्थ ये कि जो निष्कामता है, जो हम निष्कामता की ओर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं निष्काम होना चाहिए, सात्विक को तो निष्काम होना चाहिए, एक उस पर राग द्वेष नहीं होना चाहिए, एक उसमें उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं करता हूँ, वो कहे कि भगवान कर रहे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे, मैं इसको कर रहा हूँ, अगर मैं मान लूं मैं करता हूँ तो मेरे घमंड हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं करता मैं नहीं हूँ, करने वाला कोई और है, मैं तो केवल मेरे द्वारा हो रहा है माध्यम हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक सात्विक होता है और वो जो कर्म उचित है उसी को करता है, इस तरह सात्विक करता, सात्विक कर्म बताया उन्होंने। और जब राजसिक कर्म बताया तो राजसिक में क्या होगा कि राजसिक व्यक्ति सोचता कि मैं कर रहा हूं तो मैं हूं मालिक, मेरा नाम होना चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, तो उसमें तो कामना आ जाती है और वो एक कामना पूरी होती है, दूसरी तीसरी, और कामना के जाल में फंसता जाता है, और लास्ट में कहते हैं कि इतना कामी हो जाता है कि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और अधूरी होती है, गुस्सा आता है, लड़ाई करता है, इसलिए कामनाओं के जाल में जाना है तो हमें निष्काम बनना है। पर हम राजसिक में सकाम बन जाते हैं। दूसरा अहंकार होता है कि मैं करता हूँ इसका, मैं अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ और मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ कि मेरा नाम हो जाए, और ये भी रास्ता जो है भले ही हम अच्छा करें तो भी हम एक तरह के स्वर्ग नरक के जाल में फंस जाते हैं और मुक्ति का रास्ता हमारा अवरुद्ध हो जाता है, इसे राजसिक कर्म कहते हैं। तीसरा जो कर्म है ये 24वें श्लोक में, 23वें में सात्विक कर्म है गीता के 18वें अध्याय में, और 24वें अध्याय में उन्होंने राजसिक कर्म की बात की। तामसिक कर्म क्या है, तो तामसिक कर्म उन्होंने बताया कि जिसमें केवल मोह की पूर्ति होती है, कि मेरा जो अज्ञान है उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है किसी को क्या हो रहा है, मैं परिणाम से भी मुझे मतलब नहीं है क्या होगा, मैं नशा कर रहा हूँ उस नशे से क्या होगा मुझे मतलब नहीं है, मैं बर्बाद होऊंगा कोई बात नहीं, मैं किसी को मार रहा हूँ, लूट रहा हूँ, छीन रहा हूँ, तो इस तरह के कर्म करता हो तो वो इसको देखता ही नहीं है, उसकी दृष्टि में वो सोचता ही नहीं है कि इसका क्या फल होगा, फल से अपने क्या करना है, हमें तो आज की बात करनी है, आज मैं लुटेरा बन गया, आज मैं चोर बन गया, आज मैं आतंकी बन गया, और मैं समाज में किसी को भी नष्ट भ्रष्ट कर दूं, केवल बस मेरा मेरी इच्छा पूरी हो जाए ताकि मुझे पैसे मिल जाए और मैं मेरी इच्छा पूरी करूँ, या मेरे वो मेरे मन को संतोष हो जाए, इसलिए हत्याएं करते हैं लोग, कि बहुत से हत्याएं आतंकवादी इसीलिए करते हैं कि उनको एक खाली कि उनको लग रहा है हमारा लक्ष्य पूर्ति हो रही है, मेरा ज्ञान की पूर्ति के लिए तामसिक कर्म है। तो तामसिक कर्म जो है वो हमें नीचे की ओर ले जाएंगे, राशिक कर्म जो है वो संसार में वो मतलब तामसिक कर्म देते कर्म हो गए एक तरह से, और राशिक कर्म जो है वो सकाम कर्म है, और सकाम कर्म होने से वो मनुष्य किस तरह के हैं उनमें अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है। जो आदमी सकाम करेगा वो धीरे धीरे हो सकता है निष्काम भी बन जाए, और हो सकता है वो ज्यादा काम भी बन जाए, वो ज्यादा
क्रोधी हो जाए तो वो दोनों गति से जाता है, इसे दो गति हो सकती है सकामी की, या तो वो अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। सात्विक जो कर्म है वो कर्म जिसमें कर्ता भाव नहीं है वो भगवान को कर्ता मानता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता। राजसिक में अपने आप को कर्ता मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, और तामसिक में पता ही नहीं कौन करता है। तामसिक व्यक्ति की दृष्टि थोड़ी सी अलग हो जाएगी और वो भी अपना कर्म करता रहेगा, और इस तरह से जो वो तामसिक व्यक्ति जो है वो अपना कर्म करेगा तो वो उसको नाश और विनाश से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, वो अपनी जो चाहता है वो चाहता है, और उसको करने की तो उसका माइंड बॉक्स वगैरह वो एक गलत रास्ते पर चला गया। तो गलत रास्ते पर जाने वाले तामसिक लोग हैं और वो उसी में लगे रहते हैं। अब हमें इसी तरह हम इसको गीता में समझा देते हैं इसी 18वें अध्याय में कि आप कर्ता में भी इसको देख लें कि जो कर्ता होगा वो असंग होगा। सात्विक कर्ता कौन होगा? जो असंग है, जो अनंबादी है, द्वितीय उत्साह इसमें होंगे। दूसरे तरह का जो राशि कर्ता होगा वो रागी होगा, वो अपने काम के प्रति समर्पित होगा, दिन भर पैसे कमाएगा क्योंकि उसे अर्थ इकट्ठा करना है। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए, तो वो कर्म फल प्रेक्ष होता है, हर्ष लोक वो अच्छे काम भी करता है, कई बार अपवित्र काम भी हिस्सा भी कर लेता है, उसे रागी उसको राशिक कर्ता कहते हैं। और तामसिक जो कर्ता होता है वो अयुक्त होता है, वो हर बात गलत ही करता है, वो समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए एक दुश्मन हो जाता है, वो अहंकारी होता है, बदमाश होता है, सट होता है, और वो कहते हैं कि वो व्यक्ति विषादी होता है, वो खुद तो दुखी है और दूसरों को भी दुखी करता है। इस तरह से वो कहते हैं कि कर्ता की दृष्टि से देखें तो भी सात्विक, राशिक और तामसिक तीन तरह के भेद हो जाएंगे, और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी ज्ञान तीन तरह का हो जाएगा, सात्विक, राशिक और तामसिक। जो अखंड ज्ञान है, ईश्वर के साथ मेरा संबंध है, मैं ईश्वर मैं हूँ और मेरे में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो वो ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान में उसमें इच्छाएं नहीं होती, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं, जो प्रभु की इच्छा वो प्रधान है, मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ करके प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित हूँ, तो ये सात्विक ज्ञान है। और इसमें मेरा कोई प्रेम नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और मैं अपने अपने कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा हूँ। राशिक जब करूंगा तो राशिक में ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मुझे फल चाहिए। हम पूजा भी करें, अब पूजा को देखें तो पूजा में भी मान लीजिए मैं पूजा ज्ञान के लिए कर रहा हूँ, तो मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं परमेश्वर प्रीत्यर्थ कर रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर की इच्छा इसलिए मैं कर रहा हूँ। राशिक जो व्यक्ति होगा वो पूजा करेगा तो कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मेरी कामनाएं पूरी हो, मुझे पुत्र चाहिए, तो काम में कर्म कराता है। काम में कर्म में व्यक्ति राशिक होता है और वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास जा रहा है। सात्विक व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है तो ज्ञान के लिए, राशिक व्यक्ति जो जा रहा है तो उसकी इच्छा कि मैं क्रियावान बनूं और मैं और उन्नति करूं और विकास हो, भगवान मेरी सहायता करे। और तामसिक व्यक्ति भगवान के पास जाएगा, तामसिक व्यक्ति भगवान के पास जाएगा तो उसकी दृष्टि क्या होगी, तो वो ये सोचेगा तामसिक व्यक्ति की भाई भगवान मेरा कष्ट दूर कर दे, भगवान से लड़ाई करेगा जाकर मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, भगवान को मैं तब मानूं जब मेरा काम कर दे। तो उसकी जो भावना है उसकी भावना अपनी इच्छा पूरी करनी है। भगवान भी जानता है कि तामसिक भक्त जो है ये केवल एक इच्छा के लिए आता है, भगवान को जाकर के तामसिक भक्त कहता है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दे तो तेरे करूं, मनोती मैं तब दूं कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, और ये चीज मुझे नहीं मिले तो मैं नहीं दूं। जैसे कथा है, कहानी छोटी सी बताता हूं कि चौधरी जी थे, उनकी एक भैंस बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गई, तो उन्होंने कहा भगवान बालाजी इस भैंस को ठीक कर दे तो मैं 5 किलो चूरमा चढ़ाऊंगा भगवान बालाजी के। तो भैंस कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुई, तो फिर उसने दूसरे दिन कहा कि चौधरी ने पूछा भाई भैंस तो ठीक नहीं हुई बालाजी से, तो बोला नहीं ऐसा करते हैं 5 मिनट चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगी भैंस, बालाजी कर देंगे, ये मनोती मानते हैं। तो उसमें भी भैंस ठीक नहीं होती है, तो तीसरे दिन चौधरी कहता है कि अपन तो 10 तोला सोने का छत्तर चढ़ाएंगे बालाजी के। तब चौधरी पूछती है कि 10 तोड़े की भैंस तो नहीं है तो 76 चढ़ाएगा, जब दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चौधरी कहता कि देख मेरा दिमाग काम कर रहा है, एक बार भैंस ठीक हो जाए, दे जिस दिन मेरी भैंस ठीक हो जाएगी फिर बालाजी से मैं बाद में दूंगा, कब दूंगा क्या दूंगा वो अलग कहानी है, पर मेरे खाली काम पूरी हो। तो तामसिक व्यक्ति भगवान के पास भी केवल इच्छा लेके जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दे तो मैं तेरे को मानूं, मैं ऐसा अनर्थ करूं, अनर्थ चला दे, मेरी विजय करा दे, मेरे दुश्मनों को मार दे, नष्ट कर दे, तो ये दुर्भावना लेके जाता है, वो तामसिक व्यक्ति होता है। तो कर्ता भी हम उसका ज्ञान भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन दृष्टियां हैं। गीता इनको प्रतिपादन भी कर देती है कि भाई हम ईश्वर के साथ एक ही चाहते हैं तो हम सात्विक बन गए, और हम केवल अपने आप ईश्वर को से शक्ति मांग रहे हैं और हम चाहते हैं हम कर्मठ बने, कर्मनिष्ठ बने, कर्मयोगी बने, तो हम कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कर्मयोगी कहलाता है। और जो तीसरी जो तामसिक व्यक्ति जो है वो कभी कभी इसको ईश्वर आ जाता है, ईश्वर भी केवल काम के लिए, उसको ईश्वर से कोई लेन देना नहीं है, उसे केवल अपने जो मोह जाल में फंसा हुआ है, तो वो मोह जो है वो तामसिक गुण है, और सुख जो है वो राशिक गुण है, और रज गुण जो है वो उसको हम
सतरज तीन गुण हुए, इनके तीन ही फल होंगे, कर्मों के फल तीन तरह के होंगे। सात्विक कर्म करने का फल सुख होगा, और राष्ट्रीय कर्म जो करना हो जिसमें मेरी इच्छाएं हैं, मैं सकामी हूं, तो मेरा फल क्या होगा, मेरा फल दुख होगा। तो सुख चाहिए तो आप सात्विक बने, और राष्ट्रिक जब बनेंगे तो आपको राष्ट्रीय का जो फल है वो आपको दुख ही मिलेगा। कितने भी आप सफलता प्राप्त कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, कर्मों के जाल में फंस गए, उन कर्मों का फल भोगते भोगते आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो राष्ट्रीय कर्म दुखदायक होते हैं, और तामसिक जो कर्म है वो सुख दुख मोह से भी अलग, अंधकार है, तमकार से अंधकार, तो अंधकार में उस व्यक्ति को ले जाएंगे, और अंधकार में ले जाकर के उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, ऐसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तीन जो तरह के कर्म है उसके कारण व्यक्ति जो है सब बातें समझता है, और गीता कह देती है कि इन तीन जो दृष्टियां हैं, सात्विक राष्ट्रीय और तामसिक, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीन तरह के कर्ता है, तीन तरह के कर्म है, तीन तरह के ज्ञान है। वो कह सब भक्ति भी तीन तरह के, सब कुछ तीन तरह के हो सकते हैं, और इन तीनों में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आप सात्विक भाव में आप आए और आप ज्ञानी बने, और ज्ञानी बनकर के आप संसार में सुखी हो सकते हैं। आप सुख नहीं चाहते हैं, आप दुख चाहते हैं, तो आप खूब कर्म करें और उनका फल भोगते रहें। अच्छे करेंगे अच्छा फल भोग लेंगे, बुरा करेंगे बुरा कर लेंगे। एक का फल स्वर्ग है और एक का फल नरक है। एक का फल आप और उसी जाति में जन्म लेंगे और उसी पावर वाले बनेंगे, अगले जन्म आप राजा महाराजा बन जाएंगे। आपने अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाएंगे, आपने बुरे कर्म किए, आपने किसी की हेल्प नहीं की, तो आप अगले जन्म में निर्धन बन जाएंगे। इसकी बात फिर इसी बातों की, इन सभी ये मूल जो सिद्धांत है उसकी मैंने संक्षिप्त आपके सामने चर्चा की, और इस चर्चा के बाद में ये होता है कि धीरे धीरे जो है सभी शास्त्र इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। धर्मशास्त्र इन्हीं की व्याख्या करेगा कि वो कर्म कौन से थे, सात्विक कर्म कौन से हैं, और राष्ट्रीय कर्म कौन से हैं, और तामसिक कर्म कौन से हैं। इस तरह से जो दर्शन की जो दृष्टि थी वो दृष्टि मैंने आपके सामने रखी, और व्याकरण में भी ये माना कि क्रिया जो है, क्रिया मुख्य होती है और उसके साथ में छह तरह के कारक जुड़ते हैं, क्रिया और कारक जो जुड़ते हैं, तो भाषा की दृष्टि से उन्होंने विश्लेषण किया कि क्रिया से मुख्य स्थान पर होती है, उस क्रिया के छह कारक होते हैं। संबंध को यानी सृष्टि विभक्ति को कारक नहीं मानते, और वो कहते छह तरह के ही जो है उसमें कारक होते, कर्ता करने वाला है, और कर्म कारण जिसके द्वारा हम करते हैं, जिसको करते हैं कर्म है, जिसके लिए करते हैं वो संप्रदान है, और जिससे अलग होते हैं उपादान है, तो जिसमें करते हैं अधिष्ठान से छह तरह के कारक होते हैं। तो कहते हैं हर वाक्य में एक क्रिया है, बिना क्रिया के वाक्य होगा ही नहीं। आपका दुनिया का हर वाक्य के अंदर कर्म ही मुख्य है, हर चीज में मनुष्य के जीवन में जो है वो बहुत ही कर्म ही मुख्य है, उस कर्म की या क्रिया की मुख्यता रहती है। वो क्रिया कहते हैं, मीमांसा से कर्म कहते हैं, तो क्रिया मुख्य रहेगी। अब उसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कारण हो, कर्म हो, संप्रदान अपादान या अधिकरण हो, अधिष्ठान हो, ये सब उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एक कोई भी वाक्य हमारा भाषा का बिना क्रिया के नहीं बनेगा। हमारे जीवन में हमारा ज्ञान क्या है उसका कोई महत्व नहीं है, हमारा क्रिया क्या वही मुख्य रखती है, और उसी से हमारे आगे के भावी जीवन भी निश्चित होता है, और हम उसी के अनुसार उसकी उन्नति करते हैं। हम तमोगुण में रहेंगे उसी में रहेंगे, तमोगुण से ऊपर आना चाहते हैं तो हम रजोगुण में आए, और रजोगुण से ऊपर आना चाहते हैं सत्वगुण में आए। सत्वगुण जो धीरे धीरे हमारे जीवन को परिष्कृत करता है, तो एक रास्ता परिष्कृत होने का है, इसलिए उनका यज्ञ तप और दान ये जो रास्ता है ये हमें जीवन को ऊपर ले जाने के लिए बनाया, और जो दूसरा रास्ता काम क्रोध और लोभ ये त्रिविध नरक के द्वार, ये गीता कहती है कि ये नीति का रास्ता, ये नीति क्यों ले जा रहा है। तो आप जितना भी इसमें करेंगे उतना ही मनुष्य एक बीच में खड़ा हुआ है, ये समस्या शुरू से और आज तक यही है। इसका जो मैंने सार रूप है मैंने आपके सामने रखा, मेरा समय हो गया, जो भी बात रहेगी वो फिर प्रोफेसर अंग्रेजी जो उसको पूरी करेंगे, और जो मेरी कमी है उसको बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही सारगर्भित आपने बातें हमारे सामने रखी हैं, और एक पूरा परिप्रेक्ष्य आपने गीता के संदर्भ में हमारे साथ प्रस्तुत किया है। और एक जो बड़ी सुंदर बात मुझे लगी साहित्य शास्त्र के संदर्भ में, आपने जब चार जो नायक हैं उनके कर्मों का भी आपने संदर्भ दे दिया, ये एक बहुत अच्छा किया। ये मेरे ध्यान में नहीं आया था कि ये जो चार प्रकार के हीरोज होते हैं, नायक होते हैं, उनके जो कर्म हैं उनके कर्मों का हम किस रूप में कैसे विश्लेषण करें, और उनको भी हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस कर्म की दृष्टि से अगर हम उनका भी विश्लेषण करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक नई बात सामने आ सकती है, प्लेजेंट भी है और नयापन भी उसमें है, तो ये एक अच्छी बात हमारे सामने आ गई।
और इसके साथ गीता के कई पक्ष आपने हमारे साथ रखे हैं, लेकिन एक पक्ष मैं जरूर चाहता हूँ, एक क्यूरियोसिटी है और मैं सभी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम लेंगे बाद में प्रश्नोत्तर काल में, कि इस कर्म का को स्वयं मूल्यांकन पद्धति हम को विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इतना मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, अगर मुझे अपने कर्मों का स्वयं मूल्यांकन करना हो कि जो कुछ मैं एक 24 घंटे में करता हूँ वो कितना सात्विक अंश है उसमें और कितना तामसिक अंश है, इस बात के मूल्यांकन करने की कोई पद्धति हम विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शास्त्र तो पूर्ण है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन इस पद्धति को हम कहीं को विकसित कर सकें तो ये मैं जरूर चाहूंगा आपसे। इसमें मैं बोलूं कुछ दो मिनट? हाँ जी, हाँ जी, दो मिनट बोल के फिर हम प्रश्न। आपने जो साहित्य में कहा तो इसके उन्होंने पद्धति बनाने की कोशिश की भोजराज ने जी, और उनकी उनकी जो पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश जी, उन्होंने इसमें चार प्रकाश लिखे हैं 18, 19, 20, 21 में, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार और मोक्ष श्रृंगार। उन्होंने बताया कि इनमें अंतर क्या है, उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि धीरोदास में धीरता कितने तरह की है, तो क्या धीर के 32 लक्षण होते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि धीरोदत्त में क्या है, उसमें क्या है, तो एक आदमी झूठ बोल, एक तो सत्यवादी और धार्मिक है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी हो जाए तो वो धीरोदास है, वो कभी भी किसी हाल में झूठ नहीं बोलता, और एक आदमी मौका देकर झूठ बोलता है तो धीर ललित है, और एक हमेशा झूठी बोलता है तो वो धीर प्रशांत। उन्होंने एक एक बात को बड़ा उनका भोज का विश्लेषण है, उस पर आप अगर आगे चर्चा रखें तो वो उसमें उन्होंने एक सूची दी है कि कितने गुण हो सकते हैं, मतलब धीर का लक्षण क्या है, ललित का लक्षण क्या है, और इनके उदाहरण क्या है, और इनमें अंतर क्या है, और इनमें अभिमान का, अनभिमान का, अहंकार का, इस तरह से ये बातें उन्होंने स्पष्ट की, वो फिर हम भविष्य में इसकी चर्चा कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से मैं आपके इस ज्ञान का थोड़ा लाभ लूंगा कि हम इसको थोड़ा सा किस रूप में प्रस्तुत करें ताकि हम एक मूल्यांकन पद्धति इसकी विकसित कर सकें। अब नए आयाम भी हमारे सामने आ रहे हैं इस सारी स्थिति के, तो अब मैं चाहूंगा कि आज के हमारे जो अध्यक्षीय भाषण है उसके लिए मैं डॉक्टर रमाकांत आंगरे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी बात शेयर करें और इस सारे वक्तव्य के ऊपर एक संपूर्ण दृष्टि से हमें परिचित करवाएं कि हम कैसे इस कर्म की समस्या को समझें भी और व्यवहार में भी समझें, और ठीक है उसका आध्यात्मिक पक्ष तो है ही है कि कर्म से चाहे हम मोक्ष प्राप्त कर लें कर्म और ज्ञान के संबंध की बात कर लें, या कर्म से हम लोक संग्रह कर लें, ये भी एक पक्ष है जिसके ऊपर चर्चा हम अपेक्षित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पक्ष आप जो हैं इसमें शेयर करेंगे, तो लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना जो है माइक अनम्यूट कर लें। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, अभी और भी धन्यवाद लेंगे अभी जब और नए पक्ष सामने आएंगे, तो बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर संचालन हो रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रांची से डॉक्टर जेबी पांडे की शुभकामनाएं हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और डॉक्टर रमाकांत जी को मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, नीचे आप स्क्रीन पे देखें वहां पर एक रेड बटन है उसको अनम्यूट करें। अभी अनम्यूट नहीं हुआ आपका बटन। आपका अनम्यूट करें इसको तभी हम सुन पाएंगे। मम्मी वो
हाँ जी, अब आप अनम्यूट हैं, आप अपनी बात आरंभ कर सकते हैं। पापा आप अपने को हेलो डॉक्टर साहब, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। वक्ता का नाम बताएं सर। डॉक्टर रमाकांत जी। हाँ वेरी गुड। हाँ जी, आप अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही। रमाकांत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। जी मैम, मुझे लगता है उनका कहीं हेडफोन ना कनेक्टेड हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी 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 मैं मैम जी, हां जी, प्लीज लुक इनटू द मैटर। हां जी, आप हेडफोन को अलग कर दीजिए और सीधे आप बात कर लीजिए हमारे साथ। हेलो, मुझे लगता है कि हमें एक आध मिनट थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरा सा मैं देख लीजिए, बिकॉज़ कि उनसे हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, मैंने कहा है उनको, आपके पापा हैं, थोड़ा सा उनकी सहायता लीजिए। एक सेकंड, आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें, और यदि तब तक कोई और बात की जा सकती है तो मैं एक मिनट देख लेता हूँ उनको। क्षण भर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लाइट की दिक्कत की वजह से थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया है, एक आध मिनट लगेगा दोबारा कनेक्ट होते हुए। जी जी प्लीज, वी आर ईगर टू लिसन टू हिम। जी सर, तब तक मैं एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ विचार करने के लिए, और क्योंकि ये जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये वाले जो सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जहां से हमने कई सारे प्रश्न उठाए थे, और हाँ जी जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो, अगर आप डॉक्टर रमाकांत जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं आप प्लीज। आप अपने को अनम्यूट करें।
मोबाइल के थ्रू भी है तो प्लीज अनम्यूट करें आप अपने को। इन द मीन टाइम चैट बॉक्स में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दिया गया है, आप उसको भर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बोलूं मैं? जी 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 प्लीज आप शुरू करें ये वक्तव्य अपना, और मोबाइल थोड़ा सा बस पास रखिएगा चेहरे के पास ताकि आपकी आवाज हमें लाउड एंड क्लियर रहे। हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं? मैं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि कामे प्रत्यक्षं ब्रह्म हरिष्यामि। श्रोतृवृंद, आप सब लोगों को अभिवादन और बहुत सी शुभकामनाएं। और ये आज का जो ये सत्र चल रहा है, इस सत्र का मैंने जो प्रातःकालीन भाग श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का और सुना, वो पूरी तरह से नहीं सुन पाया ठीक से, क्योंकि कुछ इंटरनेट की समस्या आ गई, यांत्रिकी की समस्या उसमें बाधक रहती है कहीं ना कहीं उसमें, तो वो एक व्यवधान सा रहा बीच में। लेकिन ये जितना मैंने सुनता था उसमें, उन्होंने विभिन्न शास्त्रों के भारतीय दृष्टिकोण से कर्म सिद्धांत का जिस तरह से प्रतिपादन किया है, उसके लिए उनका प्रति बहुत आदर प्रकट करता हूँ मैं। और प्रायः सभी दृष्टिकोणों से, साहित्य के दृष्टिकोण से, दूसरे दृष्टिकोणों से उन्होंने कर्म सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब मुझे थोड़ा सा ये कर्म सिद्धांत को लेकर के, क्योंकि प्रत्यक्ष कोई टाइटल मेरे सम्मुख इस समय नहीं है, तो मैं कुछ थोड़ा सा अपना वक्तव्य इसमें दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मेरा ख्याल कुछ उसमें उपयोगी तत्व निकल आएगा। मूलतः देखिए, ये हम लोग जब भी कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म सिद्धांत एक तरह से विशेष रूप से हिंदू शास्त्रों का और हिंदू जनसमुदाय का एक मेरुदंड रहा है। इसमें हमने उसकी इतनी व्यापकता को स्वीकार किया है, कर्म की कर्म की व्यापकता को इतना स्वीकार किया कि भर्तृहरि जैसे विचारक और कवि लोगों ने भी जब ये कहा कि ये जो ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितः ब्रह्मांड भांडोदरे, ये कर्म सिद्धांत, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ जिस कर्म ने ब्रह्मा को भी काम में लगा दिया, सृष्टि कर्म में लगा दिया। और विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, विष्णु को 10 अवतार लेकर के यहाँ आकर के अवतार लेकर के कर्म करने पर विवश, जिसने उसको गति के लिए विवश कर दिया। और रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारिता, और रुद्र को भी चलते रहने का, ये भिक्षाटन करवाने का उनसे भी काम करवा लिया। सूर्यो भ्रामित नित्य वेव गगने तस्मयी नमः करवाने, और जिनकी वजह से, जिसकी वजह से
सूर्य जो है प्रतिदिन अनादिकाल से चला ही जा रहा है, सुबह शाम दिन रात उसमें, क्योंकि सूर्य की भी गति को हम लोग स्वीकार करते हैं, पृथ्वी की गति को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सूर्य की भी गति को स्वीकार करते हैं। तो तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को हम नमस्कार करते हैं। ये कर्म को नमस्कार करने के पीछे क्या विचार रहा होगा कि एक एब्सोल्यूट जो क्रिया शक्ति है, एक एब्सोल्यूट जो कर्म है, उस कर्म का एक एब्सोल्यूट फॉर्म है जिसको हमने स्वीकार कर लिया कि जिससे जो मैं करता हूँ उससे, उसके फल से, उससे उससे प्रभावित हुए बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण सृष्टि का जो विकास क्रम है, उस सृष्टि के संपूर्ण विकास क्रम के मूल में एक गति है, एक क्रिया है। इसी कारण संस्कृत में ये पंडित लोग जानते हैं आप सब कि हन हिंसा गत्यो, जब हन धातु का प्रयोग किया तो उसमें हिंसा और गति दोनों ही अर्थ एक धातु के रख दिए। उसमें रूढ़ अर्थ पर बाद में हन का अर्थ रूढ़ अर्थ हो गया, किलिंग के अर्थ में ही, मारने के अर्थ में ही हो गया, लेकिन मूलतः उसका जो धातु पाठ है उसके अंदर हन धातु जो है वो हिंसा और गति, ऐसे लगता है कि गति और हिंसा इनका आपस में कुछ संबंध है। इसीलिए ये जो एक जो डायलेक्टिक्स जिसे आजकल हम कहते हैं कि द्वंद्वात्मकता जो है, ये गति के अंदर गति और उसमें हिंसा और रचना, रचना हिंसा गति, ये सब चलते हैं। लेकिन इसको एक एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर हमने कर्म को भी स्वीकार किया हुआ है, इसलिए कर्म के ऊपर हमने बल देते हुए ये अवतार सिद्धांत की भी कल्पना कर ली और दूसरी जो सृजनाएं की, बहुत सारी यज्ञ की कल्पना की और दूसरी कल्पनाएं की। तो ये एक कर्म सिद्धांत का हिंदू जाति के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, और महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण आप समझिए कि जिस कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता भी नहीं बचे, उस कर्म का यहाँ मनुष्य के जीवन में अधिक महत्व देख करके ये बात लोगों ने कह दी कर्म भूमि यम ख्याता, कि ये भारत तो कर्म भूमि है भाई, शेषास्तु भोग भूमयः, बाकी की जो भूमियाँ हैं ये पश्चिम इत्यादि दूसरे देश जो हैं ये सब भोग भूमियाँ हैं, यहाँ लोग भोग के लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो भारत है, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्, इसके अंदर ये कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म प्रधान भारत को स्वीकार करके हमने ये स्वीकार कर लिया कि देखिए मैंने जो कर्म ना भुक्तम क्षीते कर्म, इसकी चर्चा कर रहे थे राजेंद्र जी, कल्प कोटि से तैरिपे, ये 100 कल्प कोटियां भी लगे रहो लेकिन जो कर्म एक बार हो जाता है उसका फल दिए बगैर वो कर्म जो है अभुक्त रूप में, बिना भोगे उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए कर्म की इतनी व्यापक मीमांसा, तो शास्त्रों ने उसको कर्म को क्रिया के रूप में एक एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर स्वीकार किया, ये एक एब्सोल्यूट सत्ता है, जैसे ब्रह्म सत्ता है ऐसे ही पूरी तरह से एक कर्म सत्ता भी है, वो कर्म की भी सत्ता है। इसलिए ये यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणाम, भगवद गीता के अंदर कहते कि ये जो कर्म है यज्ञ दान तप, ये कर्म मनीषी लोग जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदारी में भी आ गए, जो अतिक्रमण भी कर गए हैं, उनको भी ये यज्ञ दान तप कर्म ये उनके लिए भी पावन है, उनको भी इनका अनुसरण करते ही रहना चाहिए। तो इसलिए कर्म का महत्व जो है वो इस जाति के अंदर, एक भारतीय जाति के अंदर विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट फॉर्म है, एक जिसे हम कहें कि लोकातीत सी स्थिति जिसकी बन जाती है कि संपूर्ण को जो व्याप्त करके एक संपूर्णता का रूप है, उसकी अपेक्षा हमने
जिससे वर्कआउट करने के लिए उसको एक तरह से अपने जीवन के अंदर ढालने के लिए हमने आचार मीमांसाओं का निर्माण किया है। प्रत्येक दर्शन ने अपनी एक आचार मीमांसा स्थापित की है। आचार का अर्थ क्या है? आचार का अर्थ भी आचरण से है, गति से है। चर धातु उसके मूल में है, समंता चरति, जो चलना है, ये चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति, जो चलता है वही मधु को प्राप्त करता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। चरण स्वादु मधुम्बुरम सूर्य से पश्य शेमाणम यौन तंद्र है चरण। ये उसमें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जब ये बात कही गई कि सूर्य के पहिए रथ के पहियों की गति को देखो जरा, कि जो जब चलती है तो उसमें ऊँगती नहीं कभी भी, वो कभी सुस्ताने का नाम नहीं लेती है, वो सदैव गतिशील रहती है। और ये उसका सूर्य का जलते रहना, सूर्य का प्रकाश करना, ये उसका एक अपना कर्म है, ये धर्म है उसका। कर्म ही किस तरह से धर्म बन जाता है, इसकी अगर व्याख्या आप देखें तो भारतीय शास्त्रों में एक एक मौलिक दृष्टि ये हम लोगों की रही है कि कर्म जो है वही किस प्रकार से संस्कारित होकर के धर्म के रूप में कर्म ही परिणत हो जाता है। इसलिए कर्म ही धर्म बन जाता है, जिसके लिए भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, कि मनुष्य जो है वो अपने कर्म से ही भाई तम अभ्यर्च, यहाँ नाम नहीं लिया किसी देवता का, किसी गॉड का, किसी परमात्मा का, कुछ नहीं, सार्वनामिक प्रयोग करते हैं। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च, अपने स्वकर्म से तम अभ्यर्च उसकी पूजा करके सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त करता है। अब यहाँ ये कौन सा कर्म है? स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति, इस एक पंक्ति के ऊपर जरा खड़े हो जाएं और इस पर जरा स्थित होकर के आप अनुभव करके देखें कि ये स्वकर्म से कैसे अर्चना होती है। ये स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ में ये स्वकर्म क्या चीज है, ये वो जो एब्सोल्यूट फॉर्म थी उसको हमने वर्केबल बनाया कि नहीं, वो तो एक अनंत अनाथ समुद्र है, आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम जैसे कह देते हैं कि वो तो समुद्र, लेकिन उसमें से आपको जितनी अपेक्षा है, आपने उसमें से उसको अपने लिए उपयोगी, उसमें से जितना जल चाहिए आप उतना ही लाएंगे, उसके अतिरिक्त समुद्र को नहीं पूरा अपने घर में ले आएंगे, आप केवल मात्र उतना ही ग्रहण करेंगे। तो शास्त्रों ने उसको वो जो एक एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर जो गति है, कहा कि सृष्टि के मूल में सर्वत्र गति ही गति है। सांख्य ने कहा कि ये गति प्रकृति के अंदर है, क्योंकि त्रिगुण कभी चैन लेते ही नहीं, रजस जो है वो कभी रुकता ही नहीं है, रजस स्वयं भी नहीं रुकता है, तमस को भी नहीं रुकने देता है, सत्व को भी नहीं रुकने देता है, वो एक अबाध गति है, वो एक कालिका नृत्य है, कालिका का नृत्य है जो निरंतर चल रहा है, वो गति एक एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर एक गति जो है उसको हमने उसका देवीकरण भी किया, उसको नाना रूपों से उस कर्म को हमने नाचते हुए देखा। उस साक्षात्कार के बाद हमने उसे अपने जीवन में जो उपयोगी जिस ढंग से बनाया, वो भगवद गीता में एक प्रकार से, योग वशिष्ठ में एक प्रकार से, दर्शनों में द्वितीय प्रकार से, तृतीय प्रकार से। सांख्य ने कहा कि प्रकृति में ये कृति शब्द जो है, ये कृति का मतलब है कि कभी भी वो क्रिया से रुकती नहीं है, कृति नहीं उसमें, इसलिए प्रकृति कभी भी किसी भी स्थिति में, लेकिन उस क्रिया में से निकलने का कोई मार्ग भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत दफा हम मनुष्य है, मनुष्य केवल केवल क्रिया मात्र नहीं है। जब मनुष्य बना संपूर्ण सृष्टि एक क्रिया स्वरूप है और भोग स्वरूप है, भोग भी क्रिया है और ये जो उद्योग है ये भी क्रिया है, लेकिन इस दोनों क्रियाओं में से वो कहते हैं कभी मनुष्य के साथ एक तीसरा तत्व और बीच में मिल जाता है, वो उसका है जो जिसे मत्वा कर्माणी, वो ज्ञान परख है। इसलिए ज्ञान परख दृष्टि होने के कारण उन्होंने कहा कि वो कर्म
वो कर्म जो ज्ञान पूर्विका क्रिया जो होती है, ऐसी ज्ञान पूर्विका क्रिया जो है वही हमारे आचार का निर्माण करती है, वही मनुष्यता का, मनुष्य का संपूर्ण सृष्टि में से मनुष्य का विलक्षण वस्तु है। मनुष्य एक विलक्षण है संपूर्ण सृष्टि के अंदर, जिसे भगवान वेद व्यास ने महाभारत में कहा ना कि सुनो मैं तुझे गुह्यात गुह्यतरम वो ब्रवीमी, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। अरे तुम्हें मैं सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मनुष्य से ऊपर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मनुष्य सबसे ऊपर मुझे दिखाई दिया। ये मनुष्य क्या था? मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। नैरुक्तों ने कहा कि जो मनन भी करता है लेकिन मनन में भी उसके पहले क्रिया रहती है, फिर वो मनन को शुद्ध करते 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 निष्क्रियता की ओर बढ़ने का भी प्रयास करता है कि मैं इस क्रिया से अपने आप को मुक्त कैसे करूं। तो वही भगवद गीता जो एक तरफ कह रही थी कि ये एक क्षण के निजात तिष्ठत्य कर्मकृत, कि कोई भी जीव जो है वो एक क्षण के लिए भी अकर्म के, बिना कर्म के जी नहीं सकता है कोई भी। उसी ने कहा कि हाँ नहीं, उस ज्ञान अग्नि तक सर्व कर्माणि भस्म सात के लिए, ज्ञान की अग्नि से ये कर्मों का जो फल देने का क्रम है, शुभ कर्मों का शुभ फल होगा, अशुभ कर्मों का अशुभ फल होगा, और ये शुभ अशुभ जो है ये हमारे एक चेतन संकल्प के साथ जुड़े हुए होते हैं और कुछ हमारे अचेतन संकल्प के साथ जुड़े हुए होते हैं। अचेतन संकल्प हमारा ये होता है कि हमारी जो मौलिक प्रवृत्ति है जन्म से, हम पिछले जन्म से जो संस्कार लेके आए, जिनके लिए ये मीमांसिक लोग विचार करते हैं, दूसरे दर्शन विचार करते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है और एक जो क्रियमान कर्म है, जो फल देना आरंभ, जो जो कर रहे हैं प्रारब्ध कर्म वो है जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिया है, और संचित कर्म वो है जो पड़े हुए हैं लेकिन वो फल देंगे, समय आने पर फल देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है अर्जुन, ज्ञानाग्निदग्ध सर्व कर्माणि, जो संचित कर्म है उन संचित कर्मों को ज्ञान की अग्नि तो निश्चित रूप से दग्ध कर देती है। उस कर्म को जिसकी व्याख्या एक एब्सोल्यूट फॉर्म से लेकर के अपने धर्मशास्त्रों में उसे मानवोपयोगी बनाया, सृष्टि के लिए उपयोगी बनाया, उस क्रिया को, उस क्रिया के बारे में ये कैसा मनुष्य था कि जिसने यहां तक सोचा कि शैव शास्त्र के अंदर वो कहते हैं स्वयं क्रियात्मिका शक्ति, ये स्वयं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी, ये शिव की क्रिया शक्ति है भैया, ये कर्म जो है ये क्या है जी, शिवस्य ये क्रियात्मिका शक्ति, स्वयं शिवस्य क्रियात्मिका शक्ति, ये वो जो पशु प्रमाता है उसके अंदर बैठी हुई है, ये पशु प्रमाता को प्राप्त हुई है ये क्रिया शक्ति। लेकिन वंदा इति स्वमार्गस था, लेकिन जब ये अपने मार्ग में अपनी मर्जी से चलती है, जब ये क्रिया शक्ति निर्बाध रूप से चलती है, बिना शिवत्व के संकल्प के चलती है, तो बंध मार्ग ये बंधन का हेतु बन जाती है। क्रिया शक्ति को, इसको कारिका को ध्यान से देखना चाहिए, इसको स्वयं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी, ये शिव की क्रिया शक्ति पशु प्रमाता के अंदर जब रहती है, तो जब स्वमार्गस्था होती है, जब अपनी मर्जी से चलती है, तो ये बंध का कारण होती है, अज्ञाता सिद्ध उपाधि का। और जब ये इसको जान लेता है, जब शिवत्व से प्रमाता जो है वो पशु प्रमाता से उठ करके शिव प्रमाता बनता है, तो उसके लिए ये बंधन का हेतु नहीं बनती, उसको जो ज्ञान सिद्धि का उपादन करता है। तो ये शुभ कर्मों से कब हूँ न करूँ मैं शुभ कर्म से न करूँ, क्योंकि अगर मैं शुभ और अशुभ को जान लेता हूँ तो मुझे ये ज्ञान जो है मुक्त कर देता है। तो ये कर्म जो है, कर्म मेरे बंधन का भी हेतु है और ये मेरी मुक्ति का भी हेतु है। इसलिए ये यहाँ शैवों का क्रम है, तो श्रुति के क्रम में
ये शुरू में घोषणा बहुत आप देखें तो उसमें ये शुक्ल यजुर्वेद के अंदर जब ये बात कही कि अकुर्वन में वे कर्माणि जीव से क्षतम समा, इस मंत्र को ठीक से अगर आप समझें तो इसमें देखेंगे कि दो बातें हैं उसके अंदर। एक और विधान कर रहा है कि कुर्वन नेवेह कर्माणि विधिविषेध जीवितुम निच्छेत शतम समा, 100 साल पर्यंत पूरी आयु कर्म करते हुए ही जिए, कोई संन्यास का यहाँ नाम भी नहीं इस मंत्र के अंदर। शतम समा 100 वर्ष जो है कर्म करता हुआ ही जिए, और फिर कहा कि तब एवं तो इससे होगा क्या कहता, लेकिन जब तुम इस तरह से कर्म की विधि को सीख जाओगे नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते न रे, क्योंकि कर्म जो है वो एक पीछे अपना संस्कार छोड़ता है, वो जो पीछे छोड़ जाता है उसी को हम कहते हैं लेप। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो हमारी प्लेट होती है उसके अंदर वो जो जूठन है वो पीछे रह जाती है, इसी तरह से कर्म जितने भी हम कर्म करते हैं उनके ये संस्कार पीछे रह जाते हैं, जिसका गीता कहती है विषय अभिनिवर्तन थे निराहार से देना, कि विषय जो है वो तो चले गए भोगने के बाद लेकिन अपना संस्कार पीछे छोड़ गए, जूठन छोड़ जाते हैं। ये जो उच्छिष्ट है ये जो जूठन है यही हमारे अग्नि उस क्रिया का हेतु बनती है। तो ये जो संस्कार रूप में बैठे हुए हमारे प्रवृत्ति है कर्म है ये क्रिया जो है ये परिवर्तन ये हमारा एक अचेतन संकल्प बनाती है। एक सचेत संकल्प हम करते हैं जो आप बैठ करके हम करेंगे कि मैं अमुक फल की प्राप्ति के लिए या अमुक सिद्धि के प्राप्ति के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, ये आपका एक सचेत संकल्प है। अपने लोगों के लिए मंगल की कामना करना अपने लिए मंगल कामना करना ये एक सचेत संकल्प है, लेकिन ये तो आपकी जिसे आप इंस्टिंक्टिव या एक इम्पल्स कहते हैं आप जिसे, वो एक सहजात वृत्ति जो आपके साथ आ रही है वो भी आपसे कर्म करवाती है। ये बहुत सारी जो जातियाँ बाहर रही हैं हमारे जिनके लिए हमारा दृष्टिकोण ये रहा कि इनके हिंसा इनके संस्कार में ही शामिल है, ये हिंसा जो है वो एक संस्कार में शामिल है, वो नाद वो अहिंसा की बात करते करते भी हिंसा करते रहते हैं, और वो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हुए भी वो उसमें उसका कारण क्या है कि जो उसकी मौलिक जो चेतना है वो उन संस्कारों से प्रेरित होने के कारण अजाने में उनको उसी दिशा में ले जाती है। इसलिए ये हमारी कर्म मीमांसा मनुष्य के अचेतन मन का भी निर्माण करती है और चेतन मन का भी निर्माण करती है। इसलिए श्रुति ने कहा कि ये तुम कर्म तो करना पड़ेगा तुम्हें, निष्कर्म से नहीं जी सकते हो, निष्कर्म को निष्कामी को एक मत समझना, ये निष्कर्म से अगर कोई ये सोचे कि मैं निष्कर्म के माध्यम से ये निष्काम हो जाऊंगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए भगवद गीता तीन कर्म के तीन स्वरूपों को समझाती है, वो कहती है कि देखो एक उसमें कर्म है और वो कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म जो है, यहाँ पर आचार मीमांसा के अंदर जब हम कर्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप समझ लीजिए कि कर्म शब्द का अर्थ वहाँ पर क्रिया को प्रधान रखते हुए धर्म ही है, कर्म का अर्थ यहाँ पर धर्म ही है। इसलिए कर्म अकर्म और विकर्म, मुझे स्मरण आता है कि बहुत आरंभ में हम छात्रावस्था में ये निबंध अक्सर पंडित लोग दे देते थे, और वो निबंध क्या होता था, किम कर्म किम कर्मे थी कवे उप्यत्र मोहिता, निबंधो लिखे था वो लिखे था, निबंध लिखिए अब निबंध को इसके ऊपर सामान्यतः कैसे आदमी चिंतन करेगा, किम कर्म किम अकर्मे थी, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें आके कवि भी बड़े बड़े कवि का मतलब विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, उसका ठीक से व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, उसका कारण यही रहता है। कर्म केवल मात्र कर्म शब्द का जब गीता प्रयोग करती है तो उसमें निश्चित रूप से
कर्म शब्द का अर्थ जो है स्वाभाविक रूप से धर्म हो जाता है, और विकर्म का अर्थ जो है वो आचार्य शंकर इसी श्लोक में जब करते हैं तो वो कहते हैं कि विकर्म के माने हैं प्रतिषिद्ध कर्म, लेकिन परवर्ती काल में उसका दूसरे जो आधुनिक विद्वान है, आधुनिक विद्वान जो परंपरागत पद्धति के विद्वान थे विनोबा जैसे दूसरे लोग, वो कहते हैं कि नहीं, ये प्रतिषिद्ध कर्म नहीं है विकर्म, बल्कि कर्म को परिष्कृत करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए, तो विकर्म जो पद है उसका अर्थ है कि वो जो विशिष्ट कर्म है उसके साथ, वो उदाहरण देते हैं इस चीज का कि हमने एक दिया बनाया प्रकाश के लिए, दिया बनाया उसको, ये उस दिए के अंदर हमने एक मिट्टी का प्याला भी रख दिया, तेल भी डाल दिया, बत्ती भी रख दिया है, लेकिन इतने से प्रकाश नहीं होगा, उसमें जो ज्योति का प्रज्वलन करना है इसको विकर्म कहते हैं। चित्त का शोधन करना, उसके लिए योग की पद्धति का हो, यज्ञ की पद्धति का हो, यज्ञ में दान पुण्य के द्वारा क्या होता है, इसमें सत्व का उदय होगा, ये इसके द्वारा चित्त की शुद्धि होगी, और इससे चित्त की शुद्धि के माने कर्म की शुद्धि, क्योंकि योग तो ऐसा स्वीकार करके चलता है कि सारे कर्म की जो संपूर्ण कर्म का जो एक जैसे रिजर्वायर है वो मनुष्य का चित्त है, उस चित्त के अंदर ही संस्कार आशय के अंदर ही जो कर्माशय बनता है, उस कर्माशय के अंदर ही सारे का सारा ये पड़ा हुआ है, और उसका शोधन कैसे हो, उसके लिए योग का, ज्ञान का, उपासनाओं का, कर्मकांड का, नाना प्रकार के उपाय जो हैं लोगों ने बताने का प्रयास किया है, लेकिन उसको गंभीरता के साथ थोड़ा देखने की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये उसमें स्वकर्म से एक, ये कर्म जो है वो क्या है, वो स्वधर्म ही है, स्वधर्म कुछ है, स्वधर्म में उसमें परिष्कार लाने का जो कर्म है वो विकर्म है, ये आधुनिक व्याख्या है उसकी विकर्म की। और अकर्म का माने कोई साइलेंस नहीं है उसके अंदर, ये अकर्म में ये है कि निष्क्रियता नहीं है कर्म, क्योंकि उसमें कर्म में वो देखिए ग्रंथियों को ये कभी लोगों को हम पढ़ते हैं लेकिन इनके विषय में विचार चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना चाहिए, ये कर्मण्य कर्म जो है पश्य, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को जो देखता है, माने करते हुए भी जो नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति का ये गहन दृष्टि है, और अकर्म में वो कर्म को देखता है और कर्म में जो अकर्म को देखता है वही ज्ञानवान मनुष्य, वही मनुष्यों के अंदर ज्ञानी है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो ये अकर्म क्या है जिसका वो बराबर करते हैं कि देखो मैंने ये सारे कर्म करके भी मैं अर्जुन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा अकर्तृत्व जो है, क्योंकि मैं उस चेतना के उस धरातल के ऊपर चला जाता हूँ, मुझे उस धरातल पर आना आता है, जिस धरातल पर आकर के मैं मेरा जो कर्म है वो भी अकर्म बन जाता है, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन वो मेरा सब कुछ किया हुआ भी कुछ भी नहीं किया, वो फलप्रद नहीं होता है, कुछ नहीं फल देने वाला होता है। इसलिए ये कर्म सिद्धांत की जब व्याख्या हम करें तो उसको ये भगवद गीता के या शास्त्रों के अंदर कर्म की जो बहुत एक व्यापक उसका पक्ष उसके अंदर ये रखा गया है। श्रुति के मूल में ही ये बात आई कि यज्ञ क्या है, यज्ञ जो है वो एक कर्म है, कैसा कर्म है कि वो एक भागवत कर्म है, सृष्टि कर्म है, सृष्टि का संपादन बिना यज्ञ के नहीं हो सकेगा, क्योंकि यज्ञ जो है वो एक वितरण की प्रक्रिया है, लेकिन वितरण की प्रक्रिया वो एक मैकेनिक नहीं है, उसके साथ सर्वत्र ज्ञान मिला हुआ है। अग्नि तत्व जो है आप विचार करें तो अग्नि से, अग्नि दोनों अर्थों का हमारे श्रुति में वाचक शब्द है, अग्नि जो है वो कर्म का भी वाचक है और अग्नि जो है ये ज्ञान का भी वाचक है,
ऐसा उपनिषदों के भाष्य में शंकराचार्य बराबर कहते हैं कि अग्नि जो है वो ज्ञान और कर्म दोनों का ही प्रतिनिधि है। इसलिए यज्ञ में भी जब हम बात करते हैं तो यज्ञ में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं देखो ये यज्ञ के अंदर जो कर्म है वो क्रिया जो है प्रकाश जो है हमेशा ऊर्ध्वक होता है, अग्नि जो है वो कभी नीचे को भी उसको करो तो ऊपर को ही उठता है, इसलिए अग्नि जो है वो पुरोहित है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातम करके अग्नि को ही प्रधान उसके अंदर। और ये अग्नि क्रिया जो है इसमें तो ये क्रिया का निरंतर प्रतिनिधित्व करने वाला है और दूसरा ये प्रकाश का भी प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए उपनिषदों के ऋषि भी जब ये बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि वो ज्ञान जो है उसका स्वरूप क्या है तो प्रकाश स्वरूप ही उसको कहते हैं। इसलिए वहाँ पर भी वो जब प्रश्न करते हैं कि ये मनुष्य क्या है ये स्त्री क्या है तो वहाँ कहते हैं कि ये जो इसके अंदर जो अग्नि है ये जो ज्ञानाग्नि है ये जो बोध की अग्नि है वही तो अविद्या को जलाएगी। इसलिए वो बोध की अग्नि जो है वो अविद्या को जलाती है जब तो प्रकाश रूपा। तो ये कर्म और ज्ञान का एक ऐसा संपिंडन किया गया कि कर्म जो है तभी आचार मीमांसा बनती है। अगर कर्म का एब्सोल्यूट फॉर्म में ले लेंगे तो कोई आचार मीमांसा नहीं बनेगी। मनुष्य क्योंकि मनन करके कर्मों को करता है इसलिए वो उस एब्सोल्यूट कर्म को अपने ज्ञान के अंदर एक परिमित बना करके धर्मशास्त्रों की रचना करता है कि देखो उपनिषद के अंदर ही वो कहता है अथ ते कर्म विचिकित्सा स्यात्। पहले उसको उपदेश कर देते हैं विद्यार्थी को कि तुम यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयासि वितव्यानि नो इतराणि मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तुम ये सब सभी को देवता मानो। और वो देकर के फिर वो कहते हैं कि ये जो यान्यस्माकं सुचरितानि, अब ये सुचरित फिर क्रिया है, चरित जो है वो क्रिया रूप है वो आचरण है। इसलिए कहते हैं कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि, जो हमारे सुचरित हैं उनको फॉलो करना। नो इतराणि, जो हमारे को गलत क्रियाएं हैं उनको बेटा फॉलो मत करना। अथ ते कर्म विचिकित्सा स्यात्। अब तुम्हें जीवन में वहां जाकर के अपने निवास में रहते हुए तुम्हें जीवन में कर्म विचिकित्सा रिएक्शन के बारे में कुछ डाउट आता है कुछ और आता है तो वहां पर तुम उन लोगों के पास जाना। वो लोग जो उसमें श्रेष्ठ पुरुष हों, जो वहाँ के समाज के लोग के जो अग्रणी पुरुष हों, उन्हीं लोगों को वो तुमने कंसल्ट करना, उन लोगों से पूछना, उनसे मार्गदर्शन ले लेना। तो उपनिषद के तत्वों में, श्रुति के तत्वों में, निगम में, आगम में, ये सर्वत्र एक साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम विभाजन करके चल रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि लाइफ जो है मेरे सांस भी चल रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूँ, सांस भी चल रहे हैं, जी भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। ये एक साइमल्टेनिटी जो है इसके अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमने जो स्वीकार की हुई है उस साइमल्टेनिटी को हमें देखना चाहिए कि हमने आचार मीमांसा अलग है, ईश्वर मीमांसा अलग है, वो अलग है, दर्शन के विभाजन जो है वो समझने की प्रक्रिया है, वो समझाने की प्रक्रिया है बाल बुद्धि लोगों के लिए। मूलतः साथ ही साथ ही चलता है, इधर से उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करता है प्रकाश के रूप में और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं ये ज्ञान जो है ये इस ज्ञान को आप इस प्रकार से समझिए कि ये ज्ञान आचरण में उतरना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। इसलिए क्रिया का जो पक्ष है वो क्रिया का पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्रिया ज्ञानों उपोद्वलित क्रिया है। आचार जो बनता है, धर्मशास्त्र जो बनता है, उसमें जो धर्म बनता है, कर्म जो है धर्म में परिणत कब होता है, जब वो ज्ञान के द्वारा दीक्षित होता है। और ज्ञान, सही ज्ञान कब बनता है,
जब वो ज्ञान आचरण के अंदर आकर के उतरता है। अगर आचार हीनम नपुनंति वेदा, जिसका आचार नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग स्वीकार करके चले। इसलिए ये देखना चाहिए कि ज्ञान और क्रिया ये परस्पर आपस में बड़ी ही एक समवेत, एक बड़ी आपस में सुसंबद्ध दोनों बातें हैं। क्रिया से ज्ञान होता है, कई बार करते करते मुझे ज्ञान हो गया, और कई बार मुझे जानते ज्ञान जानने में मुझे क्रिया में प्रवृत्त हो गया, जो ये तो मुझे करना ही चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है बैठ के यहाँ पर, तो मुझे करना चाहिए। तो ज्ञान जो है कर्म का प्रेरक बनता है, और जो कर्म है वो ज्ञान को जब गति देता है तो उसके समन्वय से ये हम लोग कहते हैं आगम शास्त्र के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर दूसरे, कि उससे मनुष्यता का जो एक संचालन है, सफल संचालन मनुष्यता का तभी होगा जब ज्ञान और क्रिया का दोनों का अपोजिट्स का एक सामरस्य बनता है। इसी का इसी को समरसी भाव कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस समरसी भाव में हम कर्म की व्याख्या को अगर इस ढंग से समझें कि कर्म न केवल मात्र कर्म है, और ज्ञान केवल मात्र बौद्धिक विलास नहीं है, वो केवल बुद्धि का विलास नहीं है कि हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ना उसमें, वो नहीं है। ज्ञान वही ज्ञान है जो हमारे आचरण के साथ अग्रसर होता है, वो हमारी क्रियाओं में ढलता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के अगर और विषय चिंतन करते हैं, मुझे चिंता हो रही कि मैं समय अधिक ले रहा हूँ, तो बहुत बहुत आप सब लोगों का प्रति आभार और शुभ मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कई नए आयाम आपने हमारे साथ कर्म के संबंध में सांझे किए हैं, और उससे निश्चित ही समझ बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें वो पूरे का पूरा उसका स्वरूप स्पष्ट हो गया है। अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हमें कम से कम मुझे तो वो जाननी अभी शेष हैं, क्योंकि ज्ञान और क्रिया के संबंध और फिर आचरण शब्द को जब हम बीच में ले आते हैं तो वो कर्म के एक नए आयामों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और फिर एक जो अभी भी मेरी जिज्ञासा शेष है, जो मैं डॉक्टर राजेंद्र जी से और आप दोनों से जानना चाहूंगा, और फिर उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहता है, कि ये वैदिक कर्म तक की बात ठीक है कि वो यज्ञ कर्म हो गए और बाकी धर्मशास्त्री कर्म हो गए और अन्य व्यवहार के कर्म हो गए, धीरे धीरे आते आते इतिहास में इस कर्म शब्द का संतों ने संत साहित्य में या मध्यकालीन साहित्य में और फिर परवर्ती काल में जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जाते हैं तो वहां कर्म के कई अर्थ हमें अलग से दिखाई देने लगते हैं। जैसे कर्म का एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहूंगा कि जैसे संस्कार नॉवल लिखा गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बड़ा पॉपुलर नॉवल रहा है और मुझे लगता है कि सभी ने लगभग पढ़ा भी होगा उसको। उस संस्कार नॉवल में कर्म की ही समस्या है कि एक वो ब्राह्मण है लेकिन उसने ब्राह्मण की तरह कभी जीवन नहीं जिया। मैं समझ गया, लेकिन उसमें देखिए वो ये तैतरीय के अंदर जब ये बात कही गई ना, मैंने अभी जिक्र किया था जी, अब ते कर्म विचिकित्सा स्यात्। अब तुम्हें अगर कर्म में विचिकित्सा हो गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो वहां पर वहां जो लोग हैं वो जो जिनको तुम समझते हो ये तत्वज्ञानी ये समझते हैं इस यथार्थ को, उन लोगों को प्रश्न करो जाकर के, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उसको परिप्रश्न से पूछो, जानो कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। ये संशय एक बार नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर समय है तो। जब कहते हैं कि भगवान राम को वनवास हुआ ना,
तो वो वनवास हुआ, तो वनवास में लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, आपको नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उन्होंने गौतम ऋषि को कहा, किसी ने गौतम ऋषि को कहा कि आप समझाइए, आप तो बड़े न्यायिक हैं, बड़े तर्कशील हैं, तो आप जरा समझाइए कि पिता ने, पिता की इंटेंशन तो आपको जंगल में भेजने की है नहीं जी। पिता हृदय से नहीं चाहते कि आप जाएं, तो फिर आप क्यों नहीं रुक जाते हो? तो उन्होंने गौतम ऋषि को कहा कि आप जाइए, आप राम को समझाइए, और तो किसी की बात वो मान नहीं रहे। तो गौतम ऋषि गए और उन्होंने कहा कि राम तुम बताओ कि वनवास कहा ना तुझे, 14 साल का वनवास कहा। उसने कहा हाँ महाराज 14 साल का वनवास कहा। तो कहा कि वनवास में देखो, वनवास शब्द दो तरह से बनता है, एक तो बनता है वनवास कि वन में रहना है, तो एक वन है जहाँ अयोध्या के बाहर ही है, एक फॉरेस्ट छोटा सा, उसमें जाकर के अपना बना लो और वहां से अपना वो एक आपका होता रहेगा, शासन भी चलता रहेगा और आपका वन में वास भी हो गया। तो अगर वने वास है इस तरह से करें तो ठीक है, आप वैसा कर लीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हो कि वनेशु वास है, बहुवचनांत प्रयोग करके कि वनों में वास करोगे, तो कहते हैं कि फिर वो तो संभव, सारी उम्र लगे रहो तो भी वनों में वास नहीं होगा, तो घूम रहे कहां दुनिया के जंगलों में घूमोगे, कहां खत्म हो जाएगा जंगल, तो वनेशु वास है। तो राम ने कहते हैं कि मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि आप तो बहुत युक्तिवादी आचार्य है ना, युक्ति तो, लेकिन मैंने मेरा निश्चय जो है, उन्होंने उसको एक ये कहते हैं कि कटाक्ष से स्माइलिंगली उसको एक तरफ उनके ये कह करके उपेक्षा कर दी। क्योंकि ये कब प्रॉब्लम आती है हमें, जैसे संस्कार जैसे उपन्यासों में अन्यत्र कहीं आती हैं, जब हमारा एक इथॉस हमारा जो है वो हमारे हाथों से खिसक गया होता है। ये एक साधारण जो व्यक्ति है जो अपनी परंपरा का दम तो करता है, लेकिन वो उसके बारे में बेचारा ज्यादा जानता नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी दूसरे शास्त्र के पास चला जाता था कि आप बताइए फिर मुझे क्या करना चाहिए था। जी। तो वो लोग जो है वो उसमें धर्माधर्म का समीक्षण करके, वशिष्ठ जैसे लोग जो थे वो बता देते थे ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए जी। अब यहाँ पर ये है कि ये जो मॉडर्न हमारी कर्म की प्रणाली आई, इसमें जाए कि हमारे हाथ में गीता भी जो आती है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आई, और वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आई तो उसके साथ वहां की कुछ मानसिकता भी साथ में आनी जरूरी है कि आपने मेरी फ्रीडम, मैं अपने आप में एकांतिक रूप से, मैं कोई मेरे में त्रुटि नहीं है, भाई आई कैन नॉट थिंक, इस प्रकार के मन से जब वो सोचता है कि ये मर गया है, अब ये ना तो ब्राह्मण का कर्म तो इसने किया नहीं इसलिए ये ब्राह्मण नहीं, लेकिन जात्या ये जन्म इसका, और क्योंकि जाति के लिए 3 बातें मनु ने स्वीकार की थी, आयु ये उसमें क्या है, विद्या कर्म च योनिष्ठ त्रयम ब्राह्मण कारणम, कि विद्या एक हेतु है, दूसरा जन्म जिस माता से हुआ है, और तीसरा उसके कर्म कैसे हैं। तो इस व्यक्ति के कर्म भी ब्राह्मणों के नहीं रहे और विद्या भी नहीं रही, डेड बॉडी पड़ा ही है, और सिर्फ ये योनि मात्र से ये ब्राह्मण है जी। ठीक। उसका क्या निर्णय किया जाए, इसलिए ये वहां पर एक जो मॉडर्न माइंड है वो कर्म की मीमांसा जो है वो अपने संदर्भ में करता है दूसरे मॉडल में, तो वहां संशय आ जाता है, लेकिन संशय की निवृत्ति हो सकती है कि अगर उसमें क्योंकि वहां कोई वो दूसरों को पूछने नहीं जाना चाहता कोई जी। ठीक है। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, मुझे लगता है डॉक्टर जंग बहादुर जी कुछ कहना चाहते हैं। सर आप जी जी बहुत जी
बहुत स्वागत है और वक्तव्य बहुत ही सार्थक रहा। मेरी केवल जिज्ञासा है आचार्यों से कि गीता में कर्म अकर्म और विकर्म की चर्चा की गई है, इस पर थोड़ा और प्रकाश डाला जाए। कर्म विकर्म और अकर्म। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है, सुनाई दे गई है। अंगीना जी, मेरी जी अविनाश है। हाँ, वो जिज्ञासा ये है कि गीता कहते ही है प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब सारे कर्म त्रिगुण से परिचालित होता है, अभी मैं सुन रहा था आपके पिताजी को, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये सारे कार्य स्वतः भी चलते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्यों के कारण अगर अच्छे हैं तो मुझे पुरस्कार और मेरे सम्मान मिलता है, मुझे प्रशंसा मिलती है, तो हमारे गलत कार्यों के कारण मुझे ये भी, तो ऐसी स्थिति में जब कार्य करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, सारे कार्य दो स्थितियों में, अगर वो कर्म के नियम से परिचालित होता है तो पूर्ववर्ती जो हमारे संस्कार है उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ, और अगर प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है हमारे माध्यम से करवा रही है, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने कहा कि अगर तुम भागना चाहोगे तो प्रकृति स्थान नियुक्षति, तो ऐसी स्थिति में बड़ा विषम स्थिति हमारे समक्ष आ जाती है कि मैं अपने कार्यों के उत्तर तरीके से हूँ। तो मैं कहूंगा कि इस पे दोनों प्रश्नों पे एक बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी, क्योंकि कुछ एक प्रश्न और भी शायद हमारे पास थोड़ा सा ये है कि प्रकृति दोनों प्रश्न लेने पड़ेंगे। एक मिनट, मैं दूसरा प्रश्न फिर पूछता हूँ, पहले ये इसका दे देता हूँ कि ये जो था ना प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये मैंने अभी आपको ये बताया कि ज्ञान पूर्विका जो क्रिया है वो ज्ञान पूर्विका क्रिया ही कर्म बनेगा। हम एब्सोल्यूट जो कर्म है, जो प्रकृति का कर्म है, उस कर्म के हमने, क्योंकि जब हम मनुष्य बनते हैं तो मनुष्यत्व के अंदर प्रकृति क्रियमाणानी वाली बात नहीं है, वो चिड़ियों पक्षियों कमों इत्यादि के अंदर हो गई, वो चलेगी वहां पर। वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार जो है वो भी प्रकृति का ही तत्व है, लेकिन प्रकृति के अंदर मनुष्य में आकर के एक चैतन्यांश जो उसका है, वो चैतन्यांश उसके अंदर ज्ञान को पैदा कर देता है। प्रकृति के अंदर भी, प्रकृति का जो शुद्ध सत्व है, उस शुद्ध सत्व के अंदर भी वो प्रकृति को भी चेतन बना देता है। जैसे अचेतनम चेतनावधि लिंगम, अचेतन होते हुए भी वो चेतन की तरह उसको बना देता है प्रकृति को भी। इसलिए हमने जो कहा कि प्रकृति के जो कर्म है वो ज्ञायमान जब उसका संस्कार होता है, प्रकृति के ही कर्म है, जिस जो कुछ भी हम कर रहे हैं, खाना पीना भोजन इत्यादि सब हमारे प्राकृतिक कर्म है, लेकिन हम उसको, हमने कहा कि नहीं, ये जो हमारा किचन है, ये हमारा जो रसोई घर है, इस रसोई घर में इस तरह से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इस ढंग से चलेगा, इसमें यही आचार है, यहाँ का ये आचार है, इष्ट विचार। आचार और विचार दोनों ही शब्दों में चर धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रकृति के जो वो कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है वो अपने को कर्ता मानता है। अर्जुन को ये संकेत है कि तुम ये जो डिप्रेशन में चले गए हो, ये भी प्रकृति का ही दिया हुआ डिप्रेशन है, इससे बाहर आना है तुझे, निकलेगा उससे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये जो कर्म है, ये जो तुम जिसे एब्सोल्यूट एक वेग सी बातें कर रहे हो, मनुष्य के कर्म की तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो कि नहीं मैं तो जैसे ये है कि इतना बड़ा समुदाय देख करके अपने बड़े बूढ़ों को, और ये मैं उस कर्म से मैं विच्युत हो रहा, मैं चला जाऊँ, कहते नहीं ये सब तो मारने के लिए खड़े हुए हैं तेरे को, कैसे चलेगा इसे। और तुमने जो जिस अब जिस विद्या को जिस ढंग से जिस प्रकार से सीखा है उसको चरितार्थ करने का जो समय है, इसलिए वहां पर आप भी ध्यान रखिए कि एब्सोल्यूट जो प्रकृति है,
वो प्रकृति में से मैंने क्रिया ले ली, क्रिया मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरा जीवन भी क्रिया से विहीन होता नहीं कभी, लेकिन मैंने उस क्रिया का शासन किया ज्ञान पूर्वक, उसमें चैतन्यांश जो आएगा उसे कृष्ण कह, उसका नाम है कृष्ण, वो कृष्ण कह रहा है प्रकृति क्रियमाणानी, ये अर्जुन के कर्म को देखने वाला दृष्टा कौन है, वो उसका अंदर का कृष्ण है जी। अब ये तो, जो पहला एक प्रश्न था उसका भी एक उस पे भी आपकी टिप्पणी चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये पूछा था कि कर्म विकर्म और अकर्म इन तीनों का क्या अंतर है और इसके विषय में क्या आप इसमें देखिए, ये मेरा ख्याल है कि भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में इसकी मीमांसा आई है और कुछ इसकी फिर शायद मेरे ख्याल है 18वें में भी कुछ उसमें चर्चा की है उन्होंने कर्म की तो, लेकिन ये अकर्म विकर्म और इसका जो उसमें मैंने बताया था आपको कि पहले तो है कर्म, कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्म जो है वो है स्वधर्म, एक धर्म है कर्म, ये वो कर्म नहीं है जिसे मैं एब्सोल्यूट सेंस में कह रहा था। यहाँ पर कर्म शब्द जो है गीता में जो प्रयुक्त हुआ गीता के संदर्भ में, यहाँ प्रश्न है धर्म संस्थापना अर्थ है, धर्म संस्थापना का ये प्रश्न है, इसलिए सारी गीता के पहले आप जो उसका परिप्रेक्ष्य है उसको समझ लीजिए कि वो परिप्रेक्ष्य ये है कि वो परिप्रेक्ष्य है धर्म का ही सारा परिप्रेक्ष्य भगवद गीता का, इसलिए भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में कर्म शब्द को पहले समझ लीजिए कि यहाँ कर्म वो कर्म है जो ज्ञान पूर्वक मनुष्य को प्राप्त होने वाला कर्म है, ये एब्सोल्यूट कर्म नहीं है, इसलिए वो जो कर्म है उसका वो धर्म ही है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कर्म प्रधान विश्व है जो जिसे रचा गया है, वो कर्म जो है वो परिष्कृत होकर के भाई धर्म में परिणत हो जाता है, धारणा शक्ति आ जाती है उसके अंदर। अब वो कहते हैं कि ये जो कर्म है इसमें करते हुए जब आपकी फलाकांक्षा इसमें जुड़ जाती है तो फलाकांक्षा के जुड़ने से ये कर्म जो है कई बार बाधक बन जाता है, ये उसके अंदर फलाकांक्षा से युक्त हो जाने से इस कर्म की जो एक स्वधर्म पालन की जो गति है मंद पड़ जाती है। मतलब ये है कि पंडित को अगर वो यज्ञ कराने जा रहा है तो यज्ञ में अगर उसको ये कई ये पुराणों के अंदर उपाख्यान है कि अगर उसको लगा कि ये दूसरा जो यजमान है वो दक्षिणा ज्यादा दे देगा तो उसका हुआ कि वो जो पहला यजमान है वो तो कुछ थोड़ा देगा तो दिन भी सारा लगेगा तो दूसरा यजमान दक्षिणा ज्यादा देगा तो वहां क्यों ना चला जाए। अब यज्ञ तो वो भी करवा रहे हैं, यज्ञ ये भी करवा रहा है, लेकिन वहां पर फल के कारण वो चित्त जो है वो उसका द्विधा विभाजन हो गया, वो बट गया, दो भागों में बट गया, उससे उत्पत्ति किस चीज की हुई, अधर्म की उत्पत्ति हो गई उसके अंदर। इसलिए वहां पर वो आचार्य शंकर कहते हैं, उनका दृष्टिकोण ये है कि कर्म जो है वो तो है स्वधर्म, धर्म ही है वो, और उस कर्म के साथ जो दूसरा है वो है विकर्म, विकर्म है विप्रतिषिद्ध कर्म, जो निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए अर्थात जो अधर्म है उसको निषिद्ध कर्म कहा गया है। इसीलिए वहां पर वी उपसर्ग का अर्थ प्रतिषेध के अर्थ में ले लिया है, विरुद्ध अर्थ में ले लिया है कि विरुद्ध कर्म जो है, और तीसरा जो है उन्होंने कहा अकर्म, अकर्म का अर्थ है कि मौनम, उसमें चुप हो जाना है, क्रियाहीन हो गए आप, जैसे मौन हो गए, उसमें आपने साइलेंस धारण कर ली कि आप ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ये तीन प्रकार का कर्म की ये तीन संज्ञाएं हैं, कर्म विकर्म अकर्म। अकर्म का अर्थ उन्होंने कहा मौन, लेकिन नए आचार्यों ने उसकी व्याख्या अलग ढंग से की, उन्होंने कहा कि विकर्म का अर्थ जो है वो विरुद्ध कर्म नहीं होना चाहिए,
विशिष्टम कर्म होना चाहिए, कि वो विशेष कर्म जो है वो संस्कार युक्त जो कर्म है, क्योंकि कर्म मात्र धर्म का पालन करने से आप एक रूढ़ी का पालन कर रहे हैं, तो पालन करने मात्र से तो कुछ नहीं होने का है उसको, वो आप भगवान शंकर के सिर के ऊपर जल अर्पण कर रहे हैं लेकिन उस जल अर्पण के साथ मन कहीं अन्यत्र है, उसका कोई योग नहीं है, तो वो धर्म पालन तो हो रहा है, ऊपर से तो धर्म पालन लग रहा है लेकिन अंदर से नहीं हो रहा है, इसलिए उसके लिए विकर्म की अपेक्षा है, ऐसा ये विनोबा का दृष्टिकोण है। कि ये कर्म एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें बहुत सारे तत्व सम्मिलित हैं, और जब तक उनका संघट नहीं होता, उसमें एक रूपता नहीं आती कार्य में, तो मुझे लगता है कि वो कर्म पद को प्राप्त नहीं होता है, वो क्रिया या कार्य इस तरह की नहीं, वो धर्म नहीं बनेगा जब तक उसका जब तक ऐक्य नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आचरण और है और विचार कुछ और है तो वो धर्म नहीं है। धर्म उसी का नाम है, धारणा शक्ति तभी आएगी कि जब आपका मन और क्रिया ये दोनों का एक तारतम्य बनेगा, एक बनेगा। जब आपका मन जो है वो जब एक हो जाएगा मन क्रिया, तब आप उसमें प्लेयर भी अच्छे बनेंगे। अगर आपका मन जो है वो जीत के ऊपर ही टिका हुआ है सीधा, और आपका संघर्षण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। इसलिए वो उसमें कहता है कि विकर्म का अर्थ है चित्त को एक पवित्र करना, शुद्ध करना और विशिष्ट बनाना, उसको बिना विशिष्ट बनाए वो कर्म जो है धर्म जो है उसका ठीक से पालन नहीं होता है। जी ठीक है। और हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि ये तीन स्थितियां हैं, कर्म की स्थिति है, विकर्म की स्थिति है, और एक अकर्म की स्थिति है कि मैं ना करना उसमें से। तो कृष्ण अपने आप को जो स्थिति में रखते हैं वो कहते हैं कि मैं एक इस ढंग से जी रहा हूं, ये सब लोग तो पहले ही मुझे दिखाई दे रहा है कि सबके सब ये मरे हुए हैं, ये मरने के लिए ही आए हैं यहाँ, सब ये लड़ेंगे और मरेंगे, इनको मैंने सबको बहुत बार देख लिया, समझा के भी देख लिया, समझ लिया सब कुछ है, अब मैं इनके बारे में ना मुझे इनका शोक है। इसलिए वो जब गांधारी उनको शाप देती है तो कृष्ण को लेश मात्र भी शोक नहीं है, वो कहता है कि सारे यादव मर जाएं, वो कहते हैं कोई बात नहीं मर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, अच्छा है ठीक। वो उसमें कर्म में भी सर, यस जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं, हेलो हेलो, हाँ मैं, आपने दो व्याख्याएं की, एक विकर्म का सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक आपने कहा कि विकर्म माने विशेष कर्म, उत्कृष्ट कर्म, और दूसरी व्याख्या आपने दी कि विकर्म मतलब निकृष्ट कर्म, निषिद्ध कर्म। तो कौन सी निषिद्ध कर्म मतलब निकृष्ट कर्म, जो वर्जित कर्म है, प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है, अधर्म पैदा होगा उससे ना। जी जी, तो कौन सी व्याख्या सर स्वीकार्य है गीता के अनुसार, हम आपसे जानना चाहेंगे विकर्म की कौन सी व्याख्या। देखिए विकर्म की व्याख्या दो स्तरों पर है, तो दोनों में आचार्य शंकर का एक व्याख्यान जो है वो कर्म को आचार्य शंकर अपने दर्शन में हीन मानते हैं, ज्ञान को उत्कृष्ट मानते हैं। ठीक है, आप समझे ना, आचार्य शंकर जो है वो ज्ञान को उत्कृष्ट मानते हैं, वो कहते हैं उत्कृष्ट है ना, जी, तो क्रिया को वो थोड़ा हीन मानते हैं उससे, इसलिए वो निषिद्ध कर्म उसका अर्थ करेंगे कि ये विकर्म का अर्थ है विरुद्ध कर्म। लेकिन जो साधक है, योगी, जो भक्त है, जो कर्म में लगा हुआ है, वो कहेगा कि चित्त का निखारना जो है विशुद्ध कर्म हो विशुद्ध कर्म हो। तो भक्त की दृष्टि से अगर आप भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप विशुद्ध कर्म की व्याख्या करें, इसमें आपका स्वातंत्र है। अगर आप भक्त हैं, आप अपने उसमें योग में चल रहे हैं, तो उसमें चित्त का जो परिक्रम है, चित्त का जो शोधन है, उसको आप विकर्म मान लीजिए।
और अगर आप ज्ञान की दृष्टि से जा रहे हैं तो वो चैनल में, उस चैनल में वहां निषिद्ध कर्म ही मानना पड़ेगा। अब ये निर्भर करता है, क्योंकि यही एक ओपननेस है, ओपन माइंडेडनेस जो रही है शास्त्रों की, वो कहते हैं कि देखिए मैं तुम्हारे सामने ये दोनों चीजें रखता हूं, तुम इसमें से हानिकारक हिंसा करना भी है, हानिकारक गति भी है। तुम हानिकारक गति लेना चाहते हो कि हिंसा लेना चाहते हो, वो उसमें एक जो व्यवस्था हमारी है जिसको हम कहते हैं कि सही मानों में जो स्वातंत्र है, कर्ता पर निर्भर है, कर्ता पर निर्भर है। इसलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्वतंत्र कर्ता जी जी, कुल मिलाकर आगे आगे बढ़ा जाए अब सर। जी जी हाँ जी, इसको समापन की ओर ही अब अग्रसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समापन की ओर बढ़ा जाए, समापन। तो आज की ये चर्चा काफी रुचिकर भी रही और ज्ञानवर्धक भी रही, और कई पक्ष हमारे सामने नए आए हैं, और डॉक्टर साहब के प्रश्नों ने तो कई हमारे सामने, डॉक्टर जंग बहादुर जी पांडे जी के कई प्रश्नों ने हमारे सामने कई आयाम उपस्थित किए हैं, और इस तरह के विद्वानों की चर्चा से ही हम लोग जो हैं वो आगे ज्ञान में विस्तार और अग्रसर होते हैं, इसलिए ये वेबिनार अपेक्षित रहते हैं। तो इससे पूर्व कि मैं आज के मुख्य वक्ताओं का और आप प्रतिभागियों का धन्यवाद करूं, कल की सूचना आप लोगों को मैंने बता ही दी थी, लेकिन कल भी 10:30 है, लोक एवं शास्त्र के संबंधों पे हम चर्चा करेंगे कि 21वीं शताब्दी में लोक एवं शास्त्र के आपसी संबंध क्या होने चाहिए या क्या है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा ही मुश्किल सा एक प्रश्न है कि लोक अपनी इच्छा से चलता है, शास्त्र उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है, या लोक के आधार पर शास्त्र का निर्माण होता है। इस तरह के कई सारे प्रश्न हैं, और विशेष रूप से संविधान के संदर्भ में, जब संविधान आपको नियंत्रित कर रहा है। तो कल जो है हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए आपका सभी का स्वागत है। और आज की चर्चा को सफल बनाने के लिए सबसे पहले प्रतिभागियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने गीता के एक बड़े व्यापक स्वरूप को हमारे साथ साझा किया, कर्म के स्वरूप को, और डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने और भी कई पक्षों को हमारे साथ साझा किया और हमारी दृष्टि को एक दिशा दी है। तो उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस सभा को विसर्जित करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना जो है फॉर्म जो है वो भर लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं भरा है तो प्लीज आप भर लीजिए, और अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग 10:30। ये फॉर्म कहाँ पर उपलब्ध हो पा रहा है? जी सर, ये चैट बॉक्स में है, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं दोबारा भी डाल सकता हूँ।